हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आर के राजन, फाउंडर ऑफ डिज़ायर कैरियर इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का 17 कोड जो है उसका सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले तो सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या हमको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सेकेंड यूनिट है मैनेजमेंट 17 कोड का। सो सिलेबस में जो दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज के बारे में हमको जानकारी कलेक्ट करना है। इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है। ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के बारे में भी पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट के बारे में जानकारी करना है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आफ्टर दैट इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विस्टल ब्लोइंग के बारे में भी जानना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में भी आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा टॉपिक है मैनेजमेंट का, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। क्लियर? सो नियर अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम 10 क्वेश्चन विल कम इन योर अपकमिंग नेट एग्जाम्स। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आप लोग अच्छे से पढ़ें। कुछ हम लेआउट इसका तैयार किया हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेट एग्जाम में। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील्स विद 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। क्या क्या होगा? इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली, या बोल सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सो क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? इसको स्टीफन पी रॉबिन्स साहब ने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल। क्या कहा उन्होंने कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर ऑन द बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मेन पर्पस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? इट इज मेन पर्पस इज टू अप्लाई सच नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इट्स मेन पर्पस इज टू अप्लाई सच नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। क्लियर? सो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, केवल आपको मेन पॉइंट्स जानकारी करना है यहाँ से। क्लियर? बिहेवियर का मतलब क्या है यहाँ पे? ए बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सेस एंड रिएक्शंस मेड बाई इंडिविजुअल्स। इट इज द वे हाउ एन इंडिविजुअल कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टुवार्ड्स अदर। और क्या बोल सकते हैं कि द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द परसेप्शन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द पर्सन। या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी दैट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो बहुत सारा डेफिनेशंस है, केवल एक दो डिफिनेशंस आपको यहाँ से ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू
have better individual performance as well as to have a healthy working and organization so that better performance and better results can be achieved. Clear? तो main purpose के बारे में हम लोगों ने देखा. और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि organizational behavior is a scientific discipline based on the careful research that is conducted to test and evaluate the theories. या एक और last बोल सकते हैं कि OB is a scientific base for the managerial actions for predicting, conditioning and influencing behavior with a view to increase the efficiency of an organization. तो friends काफी सारे definitions हैं, आपको केवल एक दो अच्छा definitions याद करना है, याद रखना है समझने के लिए, just clear. उसके बाद term आता है organizational citizenship behavior. अगर हम बात करें organizational citizenship behavior का, so must employees understand that their primary duty is to do the work that is assigned to them, stay away from behavior that could be deemed troublesome and deliver work that is acceptable and beneficial to the organization. यहाँ पे organizational citizenship behavior का मतलब होता है the discretionary behavior that is not a part of an employee's formal job requirement and that contributes to the pathological and social environment of the workplace is called organizational citizenship behavior. अच्छे से समझेंगे इस बात को कि discretionary behavior ये क्या होता है, organizational citizenship behavior the discretionary behavior होता है that is not a part of an employee formal job requirement and that contributes to the pathological and social environment of the workplace is called organizational citizenship behavior. और एक बात आपको याद रखना है यहाँ से, these behaviors are seen positively by managers and business leaders. The importance and impact of this behavior is to be noted. Clear? उसके बाद आता है एक टर्म withdrawal behavior. Withdrawal behavior किसको बोलेंगे हम लोग, withdrawal behavior? It is refers to the set and pattern of behavior that are undertaken by employees to separate themselves. किसके लिए? To separate themselves from the organization. These actions may be in the form of showing up late or failing attend meetings, absenteeism and turnover. So withdrawal behavior के बारे में अगर पूछेगा आपसे तो याद रखना है आपको, it is a set of pattern of behavior that are undertaken by employees to separate themselves from the organization. These actions may be in the form of showing up late or failing to attend meetings, absenteeism and turnover. यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. उसके बाद कुछ थ्योरी के बारे में भी आपको जानकारी रखना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है. सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी का मेन पर्पस क्या था, इस थ्योरी का मेन पर्पस था, दिस द पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड एफिशिएंसी. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या बढ़ाना है, सक्सेस और एफिशिएंसी को बढ़ा देना है. द थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लासिकल थ्योरी को हम एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी बात आपको याद रखना है. This theory assumes that the authority must lie with the current authority only and it is mainly concerned with the output rather than human beings. Clear? तो ये बात कुछ बातें important lines याद रखना है आपको. Clear? उसके बाद classical theory जो है तीन parts में divide हुआ. Bureaucratic model पहला जो था, bureaucratic model. दूसरा जो था scientific management. तीसरा जो था एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल. तो आपसे एग्जाम्स में क्या पूछ सकता है यहाँ से, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है किसने डेवलप किया, तो याद रखना है आपको मैक्स वेबर इसका राइट आंसर जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो जाएगा हेनरी फायल जाएगा. क्लियर? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई मैक्स वेबर इन 1990 में इन्होंने डेवलप किया. इट इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट फॉलोज टॉप डाउन चेन ऑफ कमांड. ये क्या फॉलो करता है, टॉप डाउन चेन ऑफ कमांड. द
decisions are made by the manager at the top, which are then followed by the other members of the organization. Clear? It is a rigid type of organizational structure constituting formal rules and regulation to perform the various tasks in the organization assigned to the employee. Clear? तो कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. जैसे अगर हम characteristic of the bureaucratic model का बात करें तो सबसे पहला होता है इसमें characteristic, it is a top down approach where the employees at each level of the hierarchy have to obey the rules and regulation of the employee at a higher level of the hierarchy. Clear? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है. और क्या, there is a category of organizational members who are called bureaucrats, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, bureaucrats बोलते हैं. there are various rules and regulations which the employees have to follow while performing their job, these are very impersonal relationship. उसके बाद इसके अंदर कुछ टर्म दिया हुआ है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर का अगर हम बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर का, सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स टास्क आर डिवाइडेड बिटवीन इम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच इम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टास्क एंड ईच डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया. क्लियर? फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस. All employees are treated equally and they are selected and promoted on the basis of qualification, expertise, performance and experiences, and formal rules and procedure are undertaken for the selection process. Clear? उसके बाद आता है career orientation. If you follow all specified rules and regulation while working in an organization, then you are not fined arbitrarily. In fact, if you perform well, you will get a chance to be promoted or pay rise. Clear? In this way, the organizations provide a career opportunity for the working employee, provided they follow the formal rules. Clear? उसके बाद impersonality एक शब्द आता है, impersonality. So impersonality का मतलब होता है there are formal rules and regulation while working in an organization, there should not be any kind of favoritism and all the employees are encouraged to keep the work relations impersonal. Clear? Military and education system are example of bureaucratic model. याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो military and education system जो है examples of bureaucratic model. Bureaucratic model का ये examples. Clear? After that, advantage की अगर हम बात करें तो advantage, इसका main advantage क्या है, यहाँ पे efficiency देखने को मिलता है और प्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलता है. क्या क्या मिलता है, एफिशिएंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी. क्लियर? उसके बाद लिमिटेशन का अगर हम बात करें, लिमिटेशन का, सो लिमिटेशन का बात करें तो ये कैसा होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, एम्पायर बिल्डिंग होता है और रेड टेप होता है, रेड टेप, आर ई डी, रेड टेप होता है. क्लियर? तो ये था, हम लोगों ने देखा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट. यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन नेट में पूछ लेता है, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है. क्लियर? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाइडली यूज्ड बाय मैनेजर्स इन 1910, इट मेनली फोकसेस ऑन द साइंटिफिक अप्रोचेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर्स इन द एंटरप्राइज. क्लियर? और इसको किसने दिया, एफ डब्ल्यू टेलर ने. साइंटिफिक मैनेजमेंट डील्स, एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है डील्स विद नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मीन, व्हाट यू वांट टू मीन टू डू एंड चेक वेदर डू नॉट, वेदर दे डू इट इन द बेस्ट वे और नॉट. क्लियर? तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है. क्लियर? कि एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट डील्स विद द नोइंग एग्जैक्टली what you want to need to do and check whether they do it in the best way or not. Clear? Characteristic of scientific management, कुछ characteristic भी आपको exams में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी question आने का संभावना है. जैसे पहला characteristic होता है scientific management का functional foremanship. क्या बोलते हैं उसको, functional foremanship. Second होता है planning and doing separation. प्लानिंग एंड डूइंग सेपरेशन. तीसरा होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. चौथा होता है मेंटल रिवॉल्यूशन. पांचवा होता है मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? तो ये पांच
करैक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान में रखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। पहला है फंक्शनल फॉर्मेंसी, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मेंसी का मतलब यहाँ पे है, इट वॉज गिवन बाय टेलर विच डील्स विद द डायरेक्टिव डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। एफ डब्ल्यू टेलर प्रपोज एट बॉस फॉर्मेंसी अंडर फंक्शनल फॉर्मेंसी टाइम एंड कॉस्ट कलर इंस्ट्रक्शन कार्ड रूट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन अदर फोर पर्संस अपॉइंटेड फॉर ऑपरेटिंग फंक्शनल लाइक इंस्पेक्टर स्पीड बॉस गैंग बॉस एंड मेंटेनेंस फोरमैन। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट आता है प्लानिंग एंड डूइंग सेपरेशन। प्लानिंग एंड डूइंग सेपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अकॉर्डिंग टू हिम द प्लानिंग फंक्शन शुड बी डन बाई ए स्पेशलिस्ट ओनली सो दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग विल बी अकम्प्लिश्ड स्मूथली। क्लियर। बात समझाना एकदम स्मॉल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है यहाँ पे द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर इन ऑर्डर टू मोटिवेट बेटर वर्कर्स विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। क्लियर। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट द मेंटल रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द वर्कमैन एंड द मैनेजमेंट पर्सनल। अंडर द मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल ड्यूटीज आर टुवर्ड्स देयर वर्कमैन फेलो वर्कर्स एक्सेट्रा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट कम्प्लीट विदाउट ए मेंटल रिवोल्यूशन। तो मेंटल रिवोल्यूशन का भी होना जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट का अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड फंक्शनल फॉर्मेंसी मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंशियल रेट सिस्टम एक्सेट्रा। सो ये सब क्या था, मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बात अगर हम करें, सो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब आता है। दूसरा कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आएगा। तीसरा हारमोनी आएगा। चौथा डेवलपमेंट थॉट्स ट्रेनिंग आएगा। क्लियर। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखना है आपको चार प्रिंसिपल्स होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। पहला होता है रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब, दूसरा होता है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, तीसरा होता है हारमोनी, चौथा होता है डेवलपमेंट थॉट ट्रेनिंग। क्लियर। तो रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विच कैन रिप्लेस द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस वेयर एज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट आउटपुट। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन गुडविल म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन। क्लियर। हारमोनी का अगर हम बात करें, सो ग्रुप एक्शन शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन द मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो टेलर मेनली इम्फेसाइज्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ हारमोनी बिटवीन ग्रुप मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। चौथा है डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर। आफ्टर डूइंग द सिलेक्शन द जॉब शुड बी असाइन टू द वर्कर्स एज पर देयर कैपेबिलिटीज फॉलोड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। क्लियर। उसके बाद कुछ टेक्निक्स के बारे में भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम्स में। सो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पांच टेक्निक जनरली देखने को मिलता है। पांच टेक्निक होता है, टाइम स्टडी पहला टेक्निक है, सेकंड है मोशन स्टडी, तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और पांचवा है फंक्शनल फॉर्मेंसी। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का बात पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना है कितना होता है ये, जनरली पाँच होता है। पहला होता है टाइम स्टडी, दूसरा होता है मोशन स्टडी, तीसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और पांचवा होता है फंक्शनल फॉर्मेंसी। फंक्शनल फॉर्मेंसी। क्लियर। टाइम स्टडी का अगर हम बात करें, सो टाइम स्टडी क्या होता है, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मेजर्स द टाइम टेकन बाई
subordinates to perform a specific job with the help of which a standard time can be determined to complete the task. ठीक है, motion study का अगर हम बात करें, so it is the study of close observation of the body movement required to perform a job. Its main aim is to ignore useless motion and find out the most efficient way of doing a particular job. It helps to eliminate all unproductive activities which boost the productivity of workers. Clear? Standardization का अगर हम बात करें, so it refers to the process of setting up the standard tools and techniques, working conditions, equipment, etc. for the employee of an organization. Its main objective is to establish the performance standards of mean. चौथा है differential piece rate system का अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? This way payment method is given by Taylor under which efficient and inefficient workers are paid different rates. The payment which is paid to worker depends upon the number of piece produced by them. So the difference between the rates is called differential piece rate system. Clear? Functional foremanship का मतलब क्या है यहाँ पे? In order to enhance the supervision and control of the activities of the workers, Taylor has introduced functional foremanship. Here the workers work under the supervision of several foremen. क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है. कितना बताया था हमने टेक्निक के बारे में? अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो पांच टेक्निक होता है. पहला होता है टाइम स्टडी, दूसरा होता है मोशन स्टडी, तीसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पांचवा होता है फंक्शनल फोरमैनशिप. आफ्टर दैट उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का अगर हम बात करें, सो दिस थ्योरी इम्फेसाइजेज ऑन ग्रुप्स नॉट ऑन इंडिविजुअल. ये थ्योरी किसको इम्फेसाइज करेगा? ग्रुप्स को इम्फेसाइज करता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल्स. ठीक है. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा. दिस थ्योरी यूजुअली पर्टेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजर्स एंड द वे इन विच दे शुड एग्जीक्यूट देयर वर्क. दिस थ्योरी इज गिवन बाय हेनरी फायल. आपको याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है किसने दिया था? हेनरी फायल. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फायल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट. याद रखना है, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे छोटे बात आपसे पूछेगा. यस, कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फायल. हेनरी फायल का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? हेनरी फायल इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट. ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड माइनिंग इंजीनियर. Before becoming the managing director of the company, he had worked at all positions in the mining company. He also explained the importance of managerial efficiency in business enterprise while dealing with the company issues. He focused on the management point of view, whereas F.W. Taylor focused on the workers' point of view. बात समझाना? क्या इन्होंने फोकस किया मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि हम लोग F.W. Taylor के बारे में क्या जानते हैं? फोकस्ड ऑन द वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? इन्होंने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस किया, जबकि F.W. Taylor साहब ने वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस किया. ऑल दीज एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर वेदर इट इज बिग और स्मॉल. क्लियर? उसके बाद फायोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फायोल का कुछ प्रिंसिपल्स है जहाँ से जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. जैसे फायोल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा है फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉई, सातवा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आठवा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नौवा है ऑर्डर्स, दसवां है स्केलर चेन है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्प्रेडिंग कॉस्ट. क्लियर? तो ये मेन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर पूछेगा कि फाइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है डिवीजन ऑफ लेबर, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरेट इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट, आठवां है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है ऑर्डर, दस है
एस्केलर चेन। क्लियर? तो दीज आर द मेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइव्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद रखना है आपको, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का यहाँ पे मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है दिस प्रिंसिपल इनहांस द एक्यूरेसी ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज द टास्क इज डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, दीज एफर्ट्स हेल्प द कंपनी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी रेफर्स टू द लीगल पावर जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन आउटकम ऑफ अथॉरिटी। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द सुपीरियर इज इंटाइटल्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज वर्कर्स एंड कंट्रोल द बिहेवियर पैटर्न ऑफ सबॉर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड ड्यूटीज सच एज परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो ये बात भी समझ में आ गया। उसके बाद डिसिप्लिन का अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑर्डरली बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टुवार्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स इन ऑर्डर टू फॉलो द डिसिप्लिन। क्लियर? उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड का अगर हम बात करें, सो यूनिटी ऑफ कमांड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्कर इज अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर, ओनली वन एम्प्लॉय इज लायबल टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्लियर? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अगर हम बात करें, सो दिस प्रिंसिपल डिनोट्स वन हेड वन प्लान फंक्शन विच मीन्स एवरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड डायरेक्ट हिज ऑब्लिक हर एफर्ट टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द एफर्ट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स। फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय का अगर हम बात करें तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर रेमुनरेशन, द वेज स्ट्रक्चर शुड बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, असाइनमेंट ऑफ जॉब एंड एवरेज वेज रेट दैट इज फॉलोड इन द इंडस्ट्री। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का अगर हम बात करें, सो एज पर दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। द मैनेजमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू यूनाइट द इंटरेस्ट इन जनरल बट एट द टाइम व्हेन कंफ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन दीज टू देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सैक्रिफाइड फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम बात करें, सो व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट इट लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज व्हेन द अथॉरिटी इज शेयर्ड विद अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से लोअर लेवल देन इट लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस, वेयर एज इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज हाई। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्डर का अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या करता है, इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स इन द राइट प्लेस, सो देयर शुड बी ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग शुड बी इन द प्रॉपर प्लेस। क्लियर? तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ। एस्केलर चेन का मतलब क्या है यहाँ पे, सो द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच फॉलोज द ऑर्डर फ्रॉम द हाइएस्ट रैंक टू द लोएस्ट रैंक इज रिगार्डेड एज द एस्केलर चेन, सो इट इज ए स्टेप वाइज चेन ऑफ अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल देयर शुड बी प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी दैट लिंक्स ऑल द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स बट द एस्केलर चेन्स हैव सम लिमिटेशन। एस्केलर चेन्स का कुछ लिमिटेशंस है जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देयर क्या है लिमिटेशन, देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंटरप्टेड और बायस्ड मैनेजर मैसेजेज इन ए स्केलर चेन बिकॉज द इंफॉर्मेशन पासिस वन पर्सन टू अनदर। दूसरी बात, द कम्युनिकेशन प्रोसेस गेट्स लेंथी इन द स्केलर चेन। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इशूज ए गैंग प्लैंक कैन बी क्रिएटेड थ्रू इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पासिस फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर विदाउट फॉलोइंग एनी हायरार्कियल प्रोसीड्यूर। इफ एफ वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद पी देन he can directly communicate with that person without following any procedure। clear? uske baad
कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे इक्विटी दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, इनिशिएटिव दिया हुआ है, स्प्रिट डी कॉर्प्स दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपको समझ लेना है कि ये क्या है। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली वर्किंग इन ए सिमिलर पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द सुपरवाइजर सुपीरियर शुड बी फेयर टुवार्ड्स देयर एम्प्लॉइज, देयर शुड बी नो बायस। क्लियर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का अगर हम बात करें, सो वंस द एम्प्लॉय गेट्स सेलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पोजिशन देन ही अब्लिक्सी शुड रिमेन्स एट द पोजिशन फॉर ए फिक्स टाइम, एम्प्लॉय टर्न ओवर शुड बी मिनिमम, वर्कर्स इम्प्लॉइज शुड नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम हिज अब्लिकर अलॉटेड पोजिशन फ्रिक्वेंटली। इनिशिएटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, इट रेफर्स टू द फर्स्ट एक्ट टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। Fayol suggested that all the employees should be encouraged to take initiative in work and their own course of action. Esprit de corps ka matlab kya hai? This principle of management encourages team spirit and harmony among the team members in order to achieve the common goals of an organization. The manager should promote teamwork. Manager ko kya karna chahiye? Teamwork ko promote karna chahiye. Clear? Uske baad Fayol's three categories of management है, तीन कैटेगरीज दिया हुआ है। पहला है सिक्स एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा फाइव मैनेजरियल एक्टिविटीज, तीसरा 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। और सिक्स एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा, टेक्निकल एक्टिविटीज हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गया, सिक्योरिटी एक्टिविटीज हो गया, अकाउंटिंग एक्टिविटीज हो गया, मैनेजरियल एक्टिविटीज हो गया। क्लियर। तो फाइव थ्री कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट डिवाइड हुआ, उसके बाद फिर सिक्स एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री आया, उसके बाद फाइव मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। फाइव मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आएगा सबसे पहला प्लानिंग आएगा, दूसरा चीज ऑर्गेनाइजिंग आएगा, तीसरा कमांड आएगा, चौथा कोऑर्डिनेशन आएगा और पांचवा कंट्रोल आएगा। हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कमांड क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है और कंट्रोल क्या है। क्लियर। तो उसके बाद सिलेबस का अगर हम बात करें तो नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। नियो क्लासिकल थ्योरी, देयर आर टू थ्योरीज अंडर नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर दो थ्योरी आता है, एक आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और दूसरा आता है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है पहला है, जिसको किसने दिया था, अल्टन मायो ने 1930 में दिया था। क्लियर। और दूसरा बिहेवियरल साइंस थ्योरी किसने दिया था, अब्राहम मास्लो दिया था 1940 में, अब्राहम मास्लो साहब ने दिया था। क्लियर। इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी द एम्प्लॉइज आर नॉट ट्रीटेड लाइक मशीन, दे आर मोटिवेटेड एंड इंकरेज फ्रॉम टाइम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। न्यू क्लासिकल थ्योरी बिलीव दैट वर्कर्स आर सोशल बींग रेदर देन इकोनॉमिक बींग, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Increased productivity is not only the outcome of a single factor of working harder and longer, but it is a combination of social and economic factors. Employers should take care of the employees working under them. They should work on the motivational factor which helps the employee to feel better and encouraged while working in an organization. Clear? तो यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखना है कि according to neoclassical theory, नियो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से द एम्प्लॉइज आर नॉट ट्रीटेड लाइक मशीन, ये बात याद रखना, एम्प्लॉइज आर नॉट ट्रीटेड लाइक मशीन, दे आर मोटिवेटेड एंड इंकरेज फ्रॉम टाइम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और नियो क्लासिकल थ्योरी क्या बिलीव करता है, बिलीव दैट वर्कर्स आर सोशल बींग्स रैदर देन इकोनॉमिक बींग्स, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली द आउटकम ऑफ ए सिंगल फैक्टर ऑफ वर्किंग हार्डर and last longer, but it is the combination of social and economic factors. उसके बाद आता है human relation theory, and आप human relation theory का अगर हम बात करें तो this theory was proposed by Alton Mayo 1927 में। Alton Mayo ने proposed किया था उस time पे, proposed किया था, ध्यान रखना है proposed किया था। clear? 1927 में he was a manager at Western Electric Company near Chicago, America. He conducted an experiment in his organization. He divided the workers on his organization into two groups. He gave some personal attention to one group while the other group
was working as usual. The outcome of his experiment was that group that was given attention performed better as compared to the other. The attention which he gave to the workers had just improved working condition. He concluded that main important point क्या आपको याद रखना है यहाँ पे human relation theory के अंदर है कि he concluded that he क्या conclude किया उन्होंने added attention they received gave them feeling of pride and belongingness which correlated their job satisfaction and increased productivity. तो ये point आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे. उसके बाद characteristics of human relation theory. Human relation theory का main characteristic क्या है? There should be better communication between team members and between team management. Feedback is essential. Clear. दूसरा, management involvement should be in balanced way to ensure productivity supervision. तीसरा, the workers and employees should be allowed to form a small informal subgroup so that can have a causal conversation at lunch or tea breaks. Clear. तो ये सब main characteristic था. उसके बाद बिहेवियरल साइंस थ्योरी का अगर हम बात करें तो बिहेवियरल साइंस थ्योरी में क्या क्या आता है, जिसको किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने दिया था. कब दिया था? अब्राहम मास्लो ने 1940 में दिया था. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीड हायरार्की थ्योरी. इस थ्योरी का एक और नाम है, क्या हम लोग बोलते हैं? नीड हायरार्की थ्योरी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपुल हैव ए वाइड रेंज ऑफ नीड्स विच मोटिवेट्स देम टू वर्क. Human needs can be classified into different categories. Human needs जो है classified होता है different categories के हिसाब से. और क्या क्या इसके अंदर आएगा? Behavioral science theory के अंदर है physiological needs आएगा, security needs आएगा, social needs आएगा, self-esteem needs आएगा, self-actualization needs आएगा. क्लियर? तो पांच चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि human needs जो है classified into different categories. फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, सिक्योरिटी नीड्स होता है, सोशल नीड्स होता है, सेल्फ एस्टीम नीड्स होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. क्लियर? इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद आता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. सिलेबस में दिया हुआ है. सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्राइज टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी. देयर आर थ्री थ्योरीज अंडर द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर तीन थ्योरी आता है जो हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको. एक को बोलते हैं क्वान्टिटेटिव अप्रोच, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सिस्टम अप्रोच, और तीसरा होता है कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच. ठीक है? अगर क्वेश्चन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से आएगा तो आपको याद रखना है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच होगा पहला, दूसरा सिस्टम अप्रोच होगा, और तीसरा कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच होगा. क्लियर? क्वांटिटेटिव अप्रोच का अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव अप्रोच गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर इन 1950. एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने दिया था 1950 में. और इस अप्रोच का मेन एम क्या था? दिस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल टूल must be used in solving. ठीक है? The major contribution of the quantitative approach is computer simulation to improve decision making. Computer simulation is an artificial model to learn technique. A pilot carries out various simulation techniques before he actually flies the real aircraft. Mathematical forecasting, inventory modeling, querying theory, operational management and मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच. ये सब क्या है? किसका पार्ट है? क्वांटिटेटिव अप्रोच का पार्ट है. उसके बाद आता है सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच जो होता है डेवलप्ड बाय जॉनसन इन 1950. जॉनसन साहब ने 1950 में इस अप्रोच को डेवलप किया था. दिस अप्रोच स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी. इट ट्राइज टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम composed of various subsystems. The parts which make up the whole system is called subsystem. Any action taken to solve problem in one system will have its effects on the other system. Clear? This system approach is based on the generalization that everything is an organization is interrelated and interdependent. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है? ए सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड एंड डिपेंडेंट एलिमेंट्स
विच इन इंटरेक्शन विद ईच अदर फॉर्म्स ए यूनिटरी होल सिस्टम. ए सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स होल सिस्टम. इन दिस अप्रोच, मतलब सिस्टम अप्रोच में क्या था, द मेन फोकस इज ऑन द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम रैदर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ सब सिस्टम. ये बात इंपॉर्टेंट है, नेट के हिसाब से याद रखना है कि सिस्टम अप्रोच का मेन फोकस क्या था. मेन फोकस इज ऑन द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम रैदर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सब सिस्टम. दैट इज डिसीजन एंड आइडियाज आर अप्लाइड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. कार्ज एंड कॉन गेव फाइव सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी बात आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का क्या नाम था, कार्ज एंड कॉन गेव फाइव सब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और पांच सब सिस्टम जो उन लोगों ने दिया वो क्या क्या था, प्रोडक्टिव सब सिस्टम था, दूसरा सपोर्टिव सब सिस्टम था, तीसरा मेंटेनेंस सब सिस्टम था, चौथा एडेप्टिव सब सिस्टम था, पांचवा मैनेजमेंट सब सिस्टम था. क्लियर, ये पांच सब सिस्टम था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिस्टम अप्रोच के अंदर. उसके बाद आता है लास्ट कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच का अगर हम बात करें. सो दिस कंटिंजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड सिचुएशनल अप्रोच. कंटिंजेंसी अप्रोच को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिचुएशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं. क्लियर, विच वॉज डेवलप्ड बाई लॉर्ड्स एंड लॉरेंस इन 1970. हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है. लॉर्ड्स एंड लॉरेंस ने 1970 में क्या किया, इसको डेवलप किया, किसको, कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच को. द कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच इज ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न अप्रोच विच स्टेट्स दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग विच मे बी एप्लीकेबल टू ऑल मैनेजरियल सिचुएशंस. डिफरेंट सिचुएशंस डिमांड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. दिस अप्रोच रिकमेंडेड ए बेस्ट फिट बिटवीन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स. ए मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट वर्क वेल इन वन सिचुएशन मे नॉट बी वैलिड फॉर अनदर सिचुएशन. ठीक है, दिस अप्रोच सजेस्ट दैट नीड रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न शुड बी कंसिडर्ड बाई डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. द फैक्टर्स ऑन विच डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजर्स डिपेंड्स आर एनवायरमेंट सिस्टम ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी एंड पीपल. तो आपको ये बात याद रखना है कि इस अप्रोच में ये अप्रोच क्या सजेस्ट करता है, नीड्स रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न शुड बी कंसिडर वाइल डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एवरी सिचुएशन इज डायनेमिक एंड प्रैग्मेटिक सो मैनेजर शुड ऑलवेज बी प्रोएक्टिव वाइल डिजाइनिंग ए टेक्निक. रॉबर्ट एल कार्ज हैज क्लासिफाइड द मैनेजरियल स्किल्स इनटू फोर कैटेगरीज. रॉबर्ट एल कार्ज जो थे, इन्होंने मैनेजरियल स्किल्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया. और वो क्या क्या था, दीज आर टेक्निकल स्किल्स, याद रखना है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कौन कौन सा था, टेक्निकल स्किल था, दूसरा ह्यूमन स्किल था, तीसरा कंसेप्चुअल स्किल था और चौथा डिजाइन स्किल्स था. एंड एफिशिएंट मैनेजर शुड पोसेस ऑल दीज स्किल्स. क्लियर, एफिशिएंट मैनेजर को क्या रखना चाहिए, शुड पोसेस ऑल दीज स्किल्स. उसके बाद आता है सिलेबस में जो दिया हुआ है, पर्सनालिटी के बारे में दिया हुआ है आपके सिलेबस में. सो पर्सनालिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपोर्ट, वेरी फेमस साइंटिस्ट गॉर्डन ऑलपोर्ट साहब ने कहा कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट. टू द एनवायरमेंट, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि क्या है पर्सनालिटी के बारे में. गॉर्डन ऑलपोर्ट साहब ने कहा कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट. या बोल सकते हैं हम लोग कि पर्सनालिटी इज ए पैटर्न ऑफ परमानेंट ट्रेड्स एंड यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर दैट गिव बोथ कंसिस्टेंसी एंड इंडिविजुअल टू ए पर्सन बिहेवियर के बारे में. क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, अगर हम पर्सनालिटी का डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करें तो कुछ डिटर्मिनेंट्स होता है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी पूछा जाता है डिटर्मिनेंट्स के बारे में. ठीक है, तो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकता है पर्सनालिटी का, पहला हो सकता है फिजिकल एनवायरमेंट, दूसरा हो सकता है हेरिडिटी, तीसरा हो सकता है कल्चर, चौथा हो सकता है एक्सपीरियंस. क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पूछे क्वेश्चन अगर, तो याद रखना है कि पहला होगा फिजिकल एनवायरमेंट, दूसरा होगा हेरिडिटी, तीसरा होगा कल्चर, चौथा होगा एक्सपीरियंस
क्लियर। पर्सनालिटी ट्रेट्स का अगर हम बात करें, सो एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर आर नोन एज पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है यहाँ पे, एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर आर नोन एज पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक लाइक लेजीनेस हो गया, साइनेस हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया एंड सो ऑन विच आर एग्जिबिटेड इन ए लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस आर कॉल्ड पर्सनालिटी ट्रेट्स। द मोर फ्रीक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली दिस ट्रेट्स अकर इन बिकम ईजी टू डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए, तो पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद सिलेबस में दिया हुआ है आपका मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग MBTI, द मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI। MBTI इज एन इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर व्हिच शोज द डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस इन हाउ पीपल परसीव द वर्ल्ड। क्या यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मेयर ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर जो है, इट एम्फेसाइजेस ऑन द वैल्यू ऑफ नेचुरली अकरिंग डिफरेंसेस। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड प्रेफर्ड पर्सनालिटी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इट इज ए काइंड ऑफ चार्ट कंटेनिंग अबाउट 100 क्वेश्चन दैट एसेस एंड आस्क हाउ दे एक्ट और फील इन पार्टिकुलर सिचुएशन। MBTI जो है, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, वॉज डेवलप्ड बाई कूप ब्रिग्स एंड इसबेल मेयर्स। ये भी बात आपको पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम्स में कि किसने इसको डेवलप किया, तो याद रखना है कूप ब्रिग्स साइंटिस्ट का नाम है एंड इसाबेल मेयर्स। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई द थ्योरी गिवन बाई कार्ल जंग। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई द थ्योरी गिवन बाई कार्ल जंग। द MBTI वॉज डेवलप इन 1944। कब ये डेवलप हुआ, 1944 में डेवलप हुआ। MBTI क्लासीफाई ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ आंसर दे हैव गिवन ऑफ द 100 क्वेश्चंस। क्लियर, द क्लासिफिकेशन इज डन इन टू 4 कैटेगरी। इसमें क्लासिफिकेशन जो है 4 कैटेगरी में होता है, कौन कौन से। पहला होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जिसको ई और आई बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा होता है सेंसिंग और इंट्यूटिव, जिसको हम लोग एस और एन बोलते हैं। तीसरा होता है थिंकिंग और फीलिंग, जिसको हम टी और एफ बोलते हैं। चौथा होता है जजिंग और परसीविंग, जिसको हम जे और पी बोलते हैं। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड ईच कैटेगरी। कुछ कुछ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, जैसे एक्सट्रोवर्ट अगर हम बोलें, एक्सट्रोवर्ट का मतलब, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, इसलिए आपको ध्यान से इस बात को समझनी है। एक्सट्रोवर्ट्स आर वेरी सोशल असर्टिव एंड आउटगोइंग पीपल। जो भी एक्सट्रोवर्ट्स लोग होंगे वो कैसे होंगे, वेरी सोशल असर्टिव एंड आउटगोइंग पीपल। इंट्रोवर्ट्स का अगर हम बात करें, सो इंट्रोवर्ट्स आर क्वाइट शाई एंड साइलेंट एंड दे आर लेस सोशल एंड एंजॉय देयर ओन कंपनी मोर। क्लियर, तो ये बात आपको समझनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंसिंग पीपल का मतलब क्या है यहाँ पे, सेंसिंग पीपल का मतलब होता है, सेंसिंग पीपल आर प्रैक्टिकल एंड प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर। दे लाइक टू डू देयर वर्क इन सीक्वेंस, मोस्ट ऑफ देयर टास्क आर प्री प्लान। पहले से ही टास्क जो होगा क्या होगा, प्री प्लान होगा। उसके बाद इंट्यूटिव पीपल की बात करें हम, तो क्या होगा इसके बारे में, इंट्यूटिव पीपल रिलाई ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस, दे आर स्पॉन्टेनियस, दे हार्डली फॉलो एनी रूटीन और टाइम टेबल, दे जस्ट डू द वर्क, दे जस्ट डू द वर्क। क्लियर, उसके बाद आफ्टर इंट्यूटिव थिंकिंग पीपल का अगर हम बात करें, थिंकिंग पीपल, सो थिंकिंग पीपल रिलाई ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक, दे ट्राई टू फाइंड आउट द रियल कॉज बिहाइंड द आउटकम। फीलिंग पीपल का अगर हम बात करें, फीलिंग पीपल का, सो डिपेंड्स ऑन इमोशन एंड पर्सनल फीलिंग फॉर एनी प्रॉब्लम फेस्ड, फॉर एनी प्रॉब्लम फेस्ड। उसके बाद द बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल का सिलेबस में आपको दिया हुआ है, द बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, नेट में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम्स में, सो इस बार भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ से रिपीट हो सकता है। द फाइव बिग पर्सनैलिटी मॉडल का अगर हम बात करें, सो ये मॉडल जो था, बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई एम डिगमन साहब ने इसको डेवलप किया एंड इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाई गोल्डबर्ग। और बाद में इसको कौन एक्सटेंड किया, इसको
गोल्डबर्ग ने एक्सटेंड किया. ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल ऑफन यूज द बिग फाइव मॉडल टू एनालाइज द पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉइज. देर आर फाइव डिफरेंट ट्रेड्स विच फॉर्म द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉइज. क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? पहला होगा ओपननेस, दूसरा होता है कॉन्सियसनेस, तीसरा होता है एक्सट्रावर्जन, चौथा होता है एग्रीएबल, पांचवा होता है इमोशनल स्टेबिलिटी. तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. पहला बात, देर आर फाइव डिफरेंट ट्रेड्स, पांच डिफरेंट ट्रेड्स है विच फॉर्म द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉई. जो क्या फॉर्म करता है ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉई. पहला हमने बताया कि ओपननेस बताया. ओपननेस का मतलब क्या है यहाँ पे? पीपल हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी. दिस पीपल्स आर क्यूरियस, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड कीन ऑन एक्सपेरिमेंटिंग द न्यू आइडियाज. क्लियर. दूसरा है कॉन्सियसनेस. कॉन्सियसनेस का मतलब है पीपल दैट हैव हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इवन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द ट्रेड्स इंक्लूड बींग ऑर्गेनाइज, मेथोडिक, परसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल. तीसरा होता है एक्सट्रावर्जन. दिस काइंड्स ऑफ पीपल हैव हाई एनर्जी इन इंटरेक्टिंग विद अदर्स. दे आर वेरी असर्टिव एंड पॉजिटिव. चौथा होता है एग्रीएबल. द ट्रेड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी आर प्लीजिंग, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव. पांचवा होता है इमोशनल स्टेबिलिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोटिसिज्म. दिस काइंड्स ऑफ पीपल आर रिलैक्स्ड, मैच्योर एंड दे जनरल कॉप्स वेल अंडर स्ट्रेस. वाइल पीपल विद द न्यूरोसिटिज्म आर मोर लाइकली टू द मूडी, एंग्री, जीलस एंड फ्रस्ट्रेटेड. तो ये होता है इमोशनल स्टेबिलिटी. क्लियर. उसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल. यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है. लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे? लोकस ऑफ कंट्रोल इज ए काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट दैट डिफाइंस द ट्रेड्स ऑफ ए पर्सन. लोकस ऑफ कंट्रोल वॉज ए काइंड ऑफ क्वेश्चनियर टेस्ट डेवलप बाई रूटर. काइंड ऑफ क्वेश्चनियर टेस्ट डेवलप बाई रूटर, ROTER. याद रखना है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. दो तरह का कंट्रोल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब होता है इफ ए पर्सन फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम एंड रिजल्ट ऑफ देयर बिहेवियर, दे हैव एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. दे बिलीव दैट दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर ऑन फेथ. दे बिलीव इन द रिवार्ड्स विच आर आउटकम्स ऑफ देयर हार्ड वर्क. दीज काइंड्स ऑफ पीपल आर चैलेंजिंग एंड दे हैंडल स्ट्रेसफुल कंडीशन इंटेलिजेंटली. क्लियर. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? दीज आर द किंग ऑफ सुपरस्टिशियस पीपल. दे थिंक दैट द आउटकम ऑफ देयर बिहेवियर इज मोस्टली ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लक एंड फेट. दे रिमेन इनएक्टिव एंड जनरली फॉलो रूल्स एंड ऑर्डर्स. उसके बाद आता है द डार्क ट्रायड का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स विच आर सोशली अनडिजायरेबल. मैक मिलेनियम नार्सिज्म एंड साइकोपैथी कम अंडर द डार्क ट्रेड. याद रखना है मैच वेलिनियनिज्म जो है और नार्सिज्म जो है एंड साइकोपैथी कम अंडर द डार्क ट्रेड. अगर पूछेगा क्वेश्चन तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. द डार्क ट्रेड इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज प्रोफेशनल्स हैव टू कीप ए चेक एंड कंट्रोल सच ट्रेड्स. पीपल स्कोरिंग हाई ऑन दीज ट्रेड्स आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स एंड क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दे ट्रेंड टू बी लेस कंपनसेट, इम्पैथेटिक एंड सेक्रीफाइड विद देयर लाइफ्स. क्लियर. उसके बाद अगर हम बात करें मैस वेलिनिज्म का, तो इसको डिस्कवर किया निकोलो मैचवेलाई. उनका नाम क्या था? द पर्सनालिटी ट्रेड्स ऑफ मैस वेलिनिज्म वॉज डिस्कवर्ड बाई निकोलो मैचवेलाई. मैस वेलिनिज्म इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज पैरागमेटिक एंड हैज अ टेंडेंसी टू मैनिपुलेट द सिचुएशन फॉर अटेनिंग पावर एंड फुलफिलिंग पर्सनल गोल्स बाय एनी मींस इन विच गुड और बैड इज टेकन पॉजिटिवली एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स टू अचीव एंड गोल्स. क्लियर. उसके बाद आता है
नार्सिसिज्म का मतलब है, द वर्बल मीनिंग ऑफ नार्सिसिज्म इज लव फॉर वनसेल्फ। यही बात आपको याद रखना है यहाँ पे, क्या होगा इसका मतलब, लव फॉर वनसेल्फ। इट इज ए मेंटल कंडीशन इन विच ए पर्सन नीड्स डीप सेल्फ अटेंशन एंड एडमायरेशन। दे वियर ए मास्क ऑफ एक्सट्रीम सेल्फ इंपॉर्टेंस बट बिहाइंड इट लाइज ए फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम दैट इज वेरी वल्नरेबल टू द स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म। उसके बाद आता है साइकोपैथी। साइकोपैथी का अगर हम बात करें तो इट इज ए ट्रेट ऑफ वंस पर्सनैलिटी वेन देर इज हार्डली एनी कंसर्न एंड केयर फॉर अदर्स एंड ए लैक ऑफ गिल्ट एंड सिंपैथी वेन वंस एक्शन कॉज हार्म टू अदर्स। इट इज करेक्टराइज बाई सेल्फिशनेस एंड अन इमोशनल ट्रेट्स। उसके बाद कोर सेल्फ इवेल्युएशन आता है। कोर सेल्फ इवेल्युएशन का अगर हम बात करें तो क्या है ये, पीपुल मे हैव पॉजिटिव कोर सेल्फ इवेल्युएशन और नेगेटिव कोर सेल्फ इवेल्युएशन। पीपुल हु हैव पॉजिटिव कोर सेल्फ इवेल्युएशन ट्रस्ट देमसेल्व्स एंड फाइंड देमसेल्व्स एज ए इफेक्टिव कैपेबल एंड इन कंट्रोल ऑफ देयर एनवायरमेंट। दे फाइंड देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। हाउएवर दोज विद द नेगेटिव कोर सेल्फ इवेल्युएशन, जो लोग नेगेटिव कोर सेल्फ इवेल्युएशन रखेगा, tend to dislike themselves, don't believe in themselves, are generally doubtful about their capabilities and feel powerless at hard times and lose self-control. उसके बाद self-monitoring आता है। self-monitoring का मतलब है, self-monitoring is a phenomena of control of expression and self-control. Some people act spontaneously while other act purposely and consciously. कॉन्शियसली सेल्फ मेंटरिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू रेगुलेट बिहेवियर टू एकोमोडेट सोशल सिचुएशंस। दोज हु आर हाई ऑन इट कैन कंसील देयर ट्रू नेचर इन डिफरेंट सिचुएशंस बट दोज लो ऑन इट फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी हाइपोक्रिटिकल। उसके बाद आता है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, ए पर्सन हु आइडेंटिफाइज एंड assesses opportunity from the environment and takes initiative and action until meaningful results occur. Proactive people generally take challenges. Proactive people generally क्या करते हैं, take challenges, ठीक है। Type A and type B personality। उसके बाद आता है type A और type B personality। ये भी यहाँ से भी question आपसे पूछा जा सकता है, so ध्यान से समझना है। Meyer Friedman and Ray Rosenman discovered A एंड टाइप बी बिहेवियर। दो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, मेयर फ्रिडमैन एंड रे रोजनमैन डिस्कवर टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर। टाइप ए का मतलब है यहाँ पे, टाइप ए पीपल आर वेरी एग्रेसिव, दे आर ऑलवेज इन हरी एंड वांट टू हैव मोर इन लेस टाइम। क्लियर, ज़्यादा ये लोग चाहता है कि कम टाइम में। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड टेक लिटिल रेस्ट। Type A people tend to be very competitive and very impatient. क्या होगा यहाँ पे, very competitive and are very impatient. They strive towards goal of an organization without a sense of joy, happiness in their efforts. This type of personalities tend to be easily around to hostility. Clear? और type B का अगर हम बात करें, so type B जो होता है, type B are very easy going people. They believe more in quality and less in quantity. They tend to be more relaxed, less neurotic, expressive and non-competitive in nature. Type B people tend to be more laid back and spend a lot of time in creative thought. They work patiently and take out time to enjoy life. Clear? तो type A और type B के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद परसेप्शन आता है। परसेप्शन का अगर हम बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। परसेप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, है इम्पोर्टेंट है। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्स इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिट देयर सेंसरी इम्प्रेशंस इन गिविंग मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। परसेप्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेजेस सेंट टू द कॉग्निटिव माइंड बाय द सेंस ऑर्गन्स eye, ears, nose, tongue and touch to get a meaningful response to react in a particular situation. Clear? Perception के बारे में फिर से समझेंगे आप लोग। Perception क्या है? Perception is the combination of message sent to the cognitive mind by the sense organ
जिसको हम लोग बोलते हैं आई, ईयर, नोज, टंग एंड टच टू गेट ए मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू रिएक्ट इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। पहला पॉइंट परसेप्शन बोलते हैं, क्लियर, पार्टिकुलर सिचुएशन। जैसे परसेप्शन मॉडल कन्फ्रंटेशन ऑफ स्टिमुली, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, तीसरा होता है इंटरप्रिटेशन, चौथा होता है फीडबैक, पांचवा होता है रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, परसेप्शन मॉडल कन्फ्रंटेशन ऑफ स्टिमुली, इंडिविजुअल्स कम इन इंट्रैक्शन एंड कंटेक्ट विद अदर इंडिविजुअल्स, ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। रजिस्ट्रेशन का मतलब अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड टू द स्टिमुलस एंड ग्रेविटी। इंटरप्रिटेशन का अगर हम बात करें, सो इंटरप्रिटेशन द इंडिविजुअल ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द सिचुएशन। फीडबैक का अगर हम बात करें, द इंडिविजुअल इवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड गिव क्विक फीडबैक टू द सेंसरी मॉडल। रजिस्ट्रेशन का अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल गिव ए रिस्पॉन्स द टर्म ऑफ द रिएक्शन दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल विच डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल इंट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द परसेप्शन, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेगा परसेप्शन को, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। पहला आता है फैक्टर इन द परसीवर, ठीक है, फैक्टर इन द परसीवर। दूसरा होता है फैक्टर इन सिचुएशन टाइम, और तीसरा होता है फैक्टर इन टारगेट। तीन चीज होता है, पहला होता है फैक्टर इन द परसीवर, दूसरा होता है फैक्टर इन सिचुएशन टाइम, और तीसरा होता है फैक्टर इन टारगेट। क्लियर? फैक्टर इन द परसीवर में क्या क्या आएगा, एटीट्यूड आएगा। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है, बिहेवियर्स टुवर्ड्स इंडिविजुअल इवेंट्स, नीड एंड मोटिव्स आएगा दैट एनर्जाइज बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। तीसरा इंटरेस्ट आएगा, ए फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, ए क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग। चौथा एक्सपेंस आएगा, प्रीवियस एक्सपेंस टू समथिंग, और एक्सपेक्टेशंस आएगा विच वन थिंक हैपेंस। क्लियर? तो फैक्टर्स इन द परसीवर में क्या क्या आएगा याद रखना है, एटीट्यूड आएगा, नीड्स एंड मोटिव्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, एक्सपेंस आएगा, और एक्सपेक्टेशंस आएगा। क्लियर? तो ये सब किसके अंदर आएगा, फैक्टर इन द परसीवर के अंदर आएगा। एटीट्यूड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, बिहेवियर टुवार्ड्स इंडिविजुअल इवेंट्स, और नीड एंड मोटिव्स का मतलब क्या हुआ, दैट एनर्जाइज बिहेवियर टुवार्ड्स गोल्स। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ए फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, ए क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग। एक्सपेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रीवियस एक्सपेंस ऑफ टू समथिंग, और एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है, विच वन थिंग हैपेंस। क्लियर? उसके बाद फैक्टर्स इन सिचुएशन, सिचुएशन टाइम, जिसमें क्या क्या आएगा, वर्क सेटिंग हो गया, सोशल सेटिंग हो गया है, और ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स हो गया। क्लियर? फैक्टर्स इन टारगेट का अगर हम बात करें तो फैक्टर्स इन टारगेट में क्या क्या आएगा, नोवेल्टी आएगा, मोशन आएगा, साउंड्स आएगा, साइज आएगा, बैकग्राउंड आएगा, प्रॉक्सिमिटी आएगा, सिमिलरिटी आएगा। यस सर, सो फैक्टर्स इन टारगेट के अंदर नोवेल्टी, मोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी और सिमिलरिटी आएगा। क्लियर? उसके बाद कुछ पॉइंट्स जैसे दिया हुआ है आपके सिलेबस में एटीट्यूड एंड वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है जो जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज का अगर हम बात करें तो बहुत फेमस साइंटिस्ट फ्रैंक फ्रीमैन, नाम क्या था, फ्रैंक फ्रीमैन ने कहा कि एन एटीट्यूड इज ए डिस्पोजिशन रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, पर्संस और ऑब्जेक्ट्स इन ए कंसिस्टेंट मैनर विच हैज बीन लर्न्ड एंड हैज बिकम वंस टिपिकल मोड ऑफ रिस्पॉन्स। क्या कहा फ्रैंक फ्रीमैन ने कि एन एटीट्यूड इज ए डिस्पोजिशन रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन, पर्संस और ऑब्जेक्ट्स इन ए कंसिस्टेंट मैनर विच हैज बीन लर्न्ड एंड हैज बिकम वंस टिपिकल मोड ऑफ रिस्पॉन्स। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, जिसका नाम क्या है, थर्स्टन नाम है, एन एटीट्यूड शोज द सम टोटल ऑफ मैंस इंक्लाइनेशंस एंड फीलिंग्स, प्रेजुडिस और बायस, परसीव्ड नोशन, आइडियाज, थ्रेट्स एंड एनी अदर स्पेसिफिक टॉपिक। और क्या बोल सकते हैं, एन एटीट्यूड कैन बी लर्न्ड एडॉप्टेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज एन इवेल्युएटिव एंड जजमेंटल स्टेटमेंट, आइदर फेवरिंग और नॉट फेवरिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, पीपल और एवेंट्स।
ठीक है। तो ये एटीट्यूड के बारे में कुछ याद रखना है आपको। द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है एटीट्यूड का। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव और तीसरा होता है बिहेवियर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, द नॉलेज बिलीव दैट पर्सन पोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। कॉग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी इज द पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इन विच देयर इज ए कंडीशन ऑफ टू डिफरेंट बिहेवियर और एटीट्यूड एंड इट हेल्प्स टू ट्रेस एनी इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एटीट्यूड्स। सेकेंडली द इमोशनल एंड फीलिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एटीट्यूड इज द अफेक्टिव कंपोनेंट। इट इज द इवेल्युएशन ऑफ द एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड एज गुड और बैड, लव और हेट, लाइक्स एंड डिसलाइक। थर्डली द बिहेवियरल कंपोनेंट इज द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, इट इज समवन्स अटेंशन टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, इट इज द मैनर इन विच वन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट्स टू पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरमेंट। क्लियर। तो तीनों बात को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड अगर पूछेगा एग्जाम में आपसे नेट के एग्जाम में, तो याद रखना है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरी का बात करेंगे हम लोग, थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड का बात करेंगे। थ्योरी ऑफ एटीट्यूड का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला थ्योरी आता है द बैलेंस थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई फ्रिट्ज हेडर इन 1958। कौन दिया था इसको? फ्रिट्ज हेडर ने दिया था 1958 में। दिस थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड POX ट्रायड्स। क्या बोला गया इसको? POX ट्रायड्स बोला गया। दिस थियरी एक्सप्लेन्स हाउ द एटीट्यूड टुवार्ड्स अदर ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल एंड द एनवायरमेंट डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल। पी को बोला गया पर्सन, ओ का मतलब बोला गया अनदर पर्सन, और एक्स को बोला गया एटीट्यूड सब्जेक्ट टू बी द स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद कंग्रुइटी प्रिंसिपल आया। कंग्रुइटी प्रिंसिपल का मतलब क्या था? कंग्रुइटी प्रिंसिपल थ्योरी इज वेरी सिमिलर टू इट्स पैरेंट थ्योरी हेडर्स बैलेंस थ्योरी। इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ऑस्वुड एंड पर्सी टेनबियम। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ मच एटीट्यूड टुवार्ड्स द कंसेप्ट एज वेल एज द सोर्स चेंज फॉर रिजॉल्विंग द कंग्रुइटी। इट मीन्स मेजर्स द डिग्री ऑफ हाउ द एटीट्यूड टुवार्ड्स द सोर्स चेंज, क्लियर। तो कॉग्निटिव प्रिंसिपल के बारे में अगर पूछेगा तो याद रखना है कि दिस इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ऑस्वुड एंड पर्सी टेनबियम। कॉग्निटिव प्रिंसिपल थ्योरी इज वेरी सिमिलर टू पैरेंट थ्योरी हार्डर्स बैलेंस थ्योरी। हार्डर बैलेंस थ्योरी इट वाज गिवन बाय, किसने दिया? यही आपसे नेट में पूछेगा किसने दिया, तो याद रखना है चार्ल्स ऑस्वुड एंड पर्सी टेनबियम। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी। सो कॉग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लियोन फास्टिंगर। क्या नाम था उसका? लियोन फास्टिंगर था। एज द नेम सजेस्ट कॉग्निटिव डिजोनेंस इज ए कंडीशन ऑफ टू डिफरेंट एटीट्यूड्स कंफ्लिक्ट विद वन अनदर एंड क्रिएट्स एन अनबैलेंस्ड और डिस्टर्बिंग सिचुएशन दैट नीड्स टू बी द रिजॉल्व व्हेन देयर इज ए inconsistency between attitudes or behavior. Something must be changed to eliminate the dissonance and to create harmony. आपको नेट के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से डिजुनेंस, कॉग्निटिव डिजुनेंस थ्योरी के बारे में क्या याद रखना है? यही जो अभी बोलेंगे वो याद रखना है आपको कि कॉग्निटिव डिजुनेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। कैसे हम लोग कॉग्निटिव डिजुनेंस को रिड्यूस कर सकते हैं? A person should change the attitude and behavior. Person को क्या करना चाहिए? Change their attitude and behavior to make the situation inconsistent with the another. दूसरा, a person should add more meaningful and thoughtful elements of conversation. तीसरा, a person should change the environment of discussion. ठीक है, उसके बाद value आता है। So value क्या होता है? Value are the base and foundation of one's personality. Values are the quite powerful but silent force influencing the cognition and overall personality of the behavior. Values are important to study in organizational behavior as the human's value system strong affects the perception, attitudes, needs and motives of the employee at the
वर्क प्लेस। और बोल सकते हैं कि वैल्यू आर द परमानेंट बिलीफ बेसिक कन्विक्शन दैट गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस वन सेक्शन एंड जजमेंट ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग ओवर ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट अपोजिंग सिचुएशन। सो वैल्यू कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्टेंट एंड इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स। द एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉन्टेंट सिग्निफाइज हाउ ए मूड ऑफ कंडक्ट और द एंड स्टेट इज इम्पॉर्टेंट एंड इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स सिग्निफाई हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। अगला पॉइंट भी ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन रॉकिच, नाम था साइंटिस्ट का मिल्टन रॉकिच नाम था, देर आर टू कैटेगरीज ऑफ वैल्यू। इसने कहा कि दो कैटेगरीज है वैल्यू का, क्या क्या है, टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। पहला है टर्मिनल और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल वैल्यूज का मतलब क्या होता है याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दीज वैल्यूज रेफर्स टू ए पार्टिकुलर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, पार्टिकुलर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इसको बोलेंगे। दीज आर द काइंड ऑफ स्टेट एन इंडिविजुअल वांट्स टू अटेन इन हिज लाइफ टाइम, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टर्मिनल वैल्यूज इंक्लूड्स कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पीनेस, इनर पीस, विजडम एक्सेट्रा। क्लियर, तो टर्मिनल वैल्यूज के बारे में भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या है, अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछेगा तो क्या देंगे आंसर, आपको क्या याद रखना है कि इट इज ए स्पेसिफिक मोड ऑफ बिहेवियर दैट इज सोशली और पर्सनली एक्सेप्टेबल टू अटेन द टर्मिनल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज इंक्लूड एम्बिशन हो गया, ब्रॉड माइंडेडनेस हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, कॉरेज हो गया और ऑनेस्टी हो गया, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है। क्लियर, उसके बाद लर्निंग का अगर हम बात करें, सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट एंड इंडिविजुअल्स लर्निंग, जैसे माइंड सेट हो गया, मोटिवेशन हो गया, प्रैक्टिस एनवायरमेंट हो गया, ये सब क्या है, लर्निंग। लर्निंग स्टैनफोर्ड के हिसाब से, स्टैनफोर्ड बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और इन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया और कहा कि लर्निंग इज द रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन द बिहेवियर ब्रॉट अबाउट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस। द बिहेवियरल चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मस्ट बी री इन्फोर्स इन ऑर्डर टू लर्निंग टू अकर। लर्निंग क्या है, यहाँ पे लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर बोल सकते हैं हम लोग। इट इज ए परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एनी टेम्पोररी चेंजेज इन द बिहेवियर ड्यू टू एनी रीजन इज नॉट कंसिडर्ड एज लर्निंग। देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स लर्निंग, सच एज माइंड सेट, मोटिवेशन, प्रैक्टिस, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। क्लियर, तो लर्निंग के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखना है केवल नेट के लिए। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग का अगर हम बात करें तो इसमें कोल्स इन 1984, कोल्स साइंटिस्ट का नाम है, कोल्स इन 1984 सजेस्टेड ए लर्निंग प्रोसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। उन्होंने कहा कि लर्निंग को क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल थ्योरी। दिस थियोरी हैज फोर स्टेज ऑफ लर्निंग। कोल्स इन 1984 में सजेस्ट किया कि लर्निंग प्रोसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल थ्योरी, दिस थियोरी हैज फोर स्टेज ऑफ लर्निंग। और वो फोर स्टेज क्या क्या है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्लियर, कंक्रीट एक्सपीरियंस जिसको हम लोग फीलिंग बोलते हैं, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग वॉचिंग कहते हैं, वॉच करते हैं, वॉचिंग होता है। तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन जिसको हम लोग थिंकिंग बोलते हैं। चौथा होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जिसको हम लोग डूइंग बोलते हैं। क्लियर, तो इसमें चार स्टेज होता है, फोर स्टेज होता है इस थ्योरी का, प्रोसेस लर्निंग थ्योरी का फोर स्टेज होता है। पहला होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस फीलिंग, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन थिंकिंग, और चौथा होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन डूइंग जिसको हम लोग डूइंग बोलते हैं। ठीक है, फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग और डूइंग। सबसे पहला देखते हैं हम लोग कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, यहाँ पे फीलिंग का मतलब क्या है। A new experience is encountered and a person gets to engage in an activity or an experience. Clear? उसके बाद reflective observation जिसको हम लोग watching बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? Observing the new experience and reflecting the inconsistencies. Abstract conceptualization जिसको हम लोग thinking बोलते हैं, इसका मतलब क्या है?
इट गिव्स राइज टू न्यू आइडियाज और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियाज. चौथा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको हम डूइंग बोलते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज टू रियलिटी एंड एग्जामिनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ, अगर लर्निंग का हम बात करें, द एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग का, तो एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग का बात करें तो इसमें क्या क्या होता है. पहला होता है ड्राइव होता है, दूसरा होता है क्यू स्टिमुलाई, तीसरा होता है रिस्पॉन्स, चौथा है जेब्रोनिक्स रीइंफोर्समेंट और पांचवा होता है रिटेंशन. ड्राइव का मतलब, द एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, ड्राइव का मतलब होता है एनी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस स्टिमुलस और चेंज दैट कॉजेज एक्शंस और रिएक्शंस. इट इज जनरली इंटरनल, ओनली द रिस्पोंडेंट कैन फील इट. इट कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. दूसरा होता है क्यू स्टिमुलाई, एनी काइंड ऑफ चेंज ऑब्जेक्ट इवेंट विच एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट. तीसरा होता है रिस्पॉन्स, एनी काइंड ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स द कन्फ्रंटेशन ऑफ द क्यू स्टिमुलाई. चौथा होता है जेब्रोनिक्स रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब होता है एस्टेब्लिशिंग एंड इनकरेजिंग ए पैटर्न ऑफ चेंज और इंक्रीज इन द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर. पाँचवा होता है रिटेंशन, द कंटिन्यूएशन और द स्टेबिलिटी ऑफ लर्न बिहेवियर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर. उसके बाद बात करें अगर हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग का, तो उसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग में सबसे पहला थ्योरीज आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा आता है ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी और तीसरा आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आता है. क्लियर. तीन थ्योरी होता है जो एग्जाम में आपसे जनरली पूछा जाता है इसके बारे में. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में भी पूछ सकता है, ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. तो इसको बारे में अभी देखेंगे हम लोग कि क्या है. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का अगर हम बात करें, सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आइवन पावलोव. अकॉर्डिंग टू आइवन पावलोव, ए बिहेवियर कैन बी लर्न बाय रिपीटेशन ऑफ द एक्शन. बिहेवियर कैन बी लर्न थ्रू, कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं, लर्न बाय ए रिपीटेशन ऑफ द एक्शन. दिस इज ए काइंड ऑफ रिस्पॉन्स चेंज विदाउट रीइंफोर्समेंट. ह्यूमन बिहेवियर इज कैपेबल ऑफ बींग कंडीशन टू सम सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई. द स्टिमुलस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिसीविंग ए रिस्पॉन्स. जैसे डॉग बेल, एक डॉग और बेल का आप लोगों ने कहानी स्टोरी जानते होंगे आप लोग. दिस थियोरी इज ऑल्सो नोन एज द रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग थ्योरी. इस थ्योरी का एक और नाम है, क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग थ्योरी. कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इंक्लूड अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इलिसिट्स रिस्पॉन्स विदाउट ट्रेनिंग, और कंडीशन स्टिमुलस. दूसरा होता है कंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं that elicits response due to repetition which unconditioned stimulus. और तीसरा होता है unconditional response, जिसको हम लोग बोलते हैं innate response by unconditioned stimulus reflect emotional response. and चौथा होता है conditioned response, जिसको हम लोग बोलते हैं elicit a reflect response by conditioned stimulus. clear. तो ये बातें ही आपको ध्यान में रखना है, पूरा deep में नहीं जाना है, just एक idea create कर लेना है कि थ्योरीज के अंदर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर क्या क्या, कौन दिया और क्या क्या होता है इसका मीनिंग. दूसरा होता है ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी. ऑपरेंट क्लासिकल थ्योरी वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर. इट इज आल्सो कॉल्ड नियो क्लासिकल थ्योरी. इसको हम लोग नियो क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. अकॉर्डिंग टू स्किनर, द डिजायर्ड वॉलंटियर बिहेवियर कैन बी क्रिएटेड इन द ह्यूमन बींग बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशनिंग. ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू पनिश्ड और रिवार्ड. दिस थियरी इज वाइडली यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द वर्किंग बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई आइदर बाई रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम. इट इन्वेस्टिगेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस और सब्सिक्वेंट बिहेवियर एंड द लर्निंग ऑफ वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस. क्लियर. उसके बाद आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछ सकता है आपसे. सो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवेन बाई टोलमैन. टोलमैन ने इसको दिया था. कॉग्निटिव थ्योरी को किसने दिया था? टोलमैन को दिया था, याद रखना है. अकॉर्डिंग टू हिम, लर्नर्स स्ट्रक्चर ए कॉग्निटिव मैप इन थ्योरी मेमोरी. दे ऑर्गनाइज एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन दे गैदर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. दस द लर्निंग स्टिमुलस लीड्स टू अनदर स्टिमुलस ऑफ लर्निंग एंड ह्यूमन बिहेवियर बिकम्स गोल ओरिएंटेड. तो आपको मुख्य चीज़ इसमें क्या याद रखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? आइवन पावलोव ने दिया. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? बी एफ स्किनर ने दिया. और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया?
तो टोलमैन ने दिया, गिवन बाई टोलमैन, है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस ने जो आपका दिया हुआ है, है बहुत लेंथी सिलेबस है, लेकिन उपाय नहीं है, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स जानकारी रखना है। जैसे मोटिवेशन के बारे में दिया हुआ है टॉपिक, मोटिवेशन के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। सो फ्रेंड्स, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, रॉबिन्स साहब के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज ए प्रोसेस दैट अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स द रीचिंग ए गोल। रॉबिन्स, स्टीफन पी रॉबिन्स ने कहा कि मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है दैट अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड persistent of effort towards the reaching a goal. Clear? There are many psychological factors that stimulate individual behavior, जैसे desire for money हो गया, recognition हो गया, success हो गया, etc. Clear? So motivation क्या है, motivation को एक शब्दों में और बोल सकते हैं कि motivation क्या है, motivation is an intrinsic feeling that states the psychological state of an individual. It stimulates the people to take action towards the accomplishment of goals. Clear? There are many psychological factors that stimulate individual behavior, जैसे such as desire for money, recognition, success, etc. It is basically consist of three dependent elements. क्या क्या है three dependent elements, क्या क्या है याद रखना है आपको, पहला है needs, दूसरा है drives और तीसरा है incentives. क्या क्या है, need, drives और incentives, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का, तो सबसे पहला आता है इसमें ड्राइव और क्यू, दूसरा आता है स्टिमुलस विच अफेक्ट द नीड, और तीसरा आता है द सेटिस्फेक्शन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर जनरली यूज एट द वर्क प्लेस टू मोटिवेट एम्प्लॉई and to improve their productivity. पहला होता है intrinsic motivation और दूसरा होता है extrinsic motivation. Intrinsic motivation का मतलब होता है is generally applied to the employee who are internally motivated to do something. These are the employees who are always in favor in the success and prosperity of the organization. They get motivated by things like interest, challenge and personal satisfaction. एक्सटेंसिव मोटिवेशन का अगर हम बात करें, तो एक्सटेंसिव मोटिवेशन क्या होता है, ये अराइजेस फ्रॉम आउटसाइड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज बाय ऑफरिंग एक्सटर्नल रिवार्ड, जैसे मनी हो गया, ग्रेड्स हो गया, बोनस हो गया एंड अदर टेंजिबल रिवार्ड्स हो गया। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का अगर हम बात करें, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पहला है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और दूसरा है प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ मोटिवेशन थ्योरी आर जनरली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ नीड्स दैट मस्ट बी मेड टू मोटिवेट द इंडिविजुअल और एम्प्लॉई इन द वर्क प्लेस। द फोर मेजर थ्योरीज इन दिस कैटेगरी, नीड थ्योरी के अंदर चार मेजर कैटेगरीज है, क्या क्या है, पहला है मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, फर्स्ट क्या है मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, सेकंड है हर्ज़बर्ग्स ड्यूअल फैक्टर थ्योरी, तीसरा है एमसी केलन नीड थ्योरी और चौथा है ऑल्सबर्ग्स अर्ग थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का अगर हम बात करें, तो प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आर जनरली द साइको बिहेवियरल प्रोसेस दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू एक्ट इन एन डिफाइंड वे इन ऑर्डर टू अक्वायर हिज टारगेटेड गोल्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, चार तरह का प्रोसेस मोटिवेशन होता है। पहला होता है द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, दूसरा होता है द इक्विटी थ्योरी, तीसरा होता है द गोल सेटिंग थ्योरी और चौथा होता है द रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्लियर? उसके बाद नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का अगर हम बात करें, नीड थ्योरी का, तो इसमें मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी आता है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ए हायरार्की ऑफ फाइव नीड्स, पांच नीड्स होता है जो क्या क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, दूसरा सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होता है, तीसरा सोशल नीड्स होता है, चौथा सेल्फ एस्टीम नीड्स होता है, पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है। तो
फिजियोलॉजिकल नीड्स का अगर हम बात करें, देर आर बेसिक ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर हो गया. दीज नीड्स क्लासिफाइड एज सर्वाइवल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स. दीज नीड्स आर टू बी मेड फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द अदर हाइएस्ट नीड. सेफ्टी नीड्स का अगर हम बात करें, वंस द साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेड, ह्यूमन बींग्स मूव सो दैट देयर शुड बी ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स. टू मीट सेटिस्फाइड नीड्स मैन हैज टू वर्क टू अर्न मनी, जॉब, बिजनेस एंड सेविंग कम अंडर द सेफ्टी नीड्स. क्लियर. उसके बाद सोशल नीड्स आता है. आफ्टर सेटिस्फाइंग सिक्योरिटी नीड्स मैन रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच आर इट्स सोशल नीड्स. ही इज नाउ इंटरेस्टेड इन कंपेनियनशिप और सोशलाइजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं. चौथा आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स. सेल्फ एस्टीम, दीज नीड्स आर कंसर्न विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज. दीज नीड्स ऑल्सो डिमांड लग्जरी स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन. इफ सेल्फ एस्टीम नीड्स आर नॉट मेट, ए पर्सन फील्स वीक एंड वर्थलेस. बट वन सेल्फ एस्टीम नीडेड आर फुलफिल्ड, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ पावर एंड कंट्रोल. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आता है पांचवा. इसका मतलब होता है दीज आर द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड्स अमंग ह्यूमन बींग्स. दीज आर सम रियल सेल्फ फुलफिलिंग पीपल हु कैन रीच दिस स्टेज जनरली. क्लियर. पीपल कैन नॉट ओवरकम सेल्फ एस्टीम नीड्स. दिस इज ए स्टेज वेन द पर्सन हैज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड ऑल हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नाउ ही फोकस्ड ऑन हेल्पिंग अदर, चैरिटी एंड मेडिटेशन एक्सेट्रा. उसके बाद और भी बहुत सारा कुछ कुछ थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आता है जनरली. ठीक है, तो अभी बहुत सारा सिलेबस है यहाँ पे. ठीक है, हम ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो पाएगा आपको यहाँ पे कवर करते चलते हैं. हर्ज़बर्ग ड्यूल्स फैक्टर थ्योरी. उसके बाद एक थ्योरी आता है हर्ज़बर्ग ड्यूल्स फैक्टर थ्योरी. हर्ज़बर्ग ड्यूल फैक्टर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग इन 1958. द अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी इज हर्ज़बर्ग हाइजीन थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं. द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉई फ्रॉम देयर जॉब. दिस थ्योरी स्टेट्स दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन, वेयर एज सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर्स फॉर डिससेटिस्फैक्शन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग देर आर टू कैटेगरीज अंडर विच द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉई एट द वर्क प्लेस कैन बी डिवाइडेड. दीज आर हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर. हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर. हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है दीज आर जॉब कंडीशन विच वेन द एब्सेंट क्रिएट ए फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज. हाउएवर देयर प्रेजेंस विल नॉट बी मोटिवेट देन. These factors also called dissatisfied maintenance factors, as their continuous presence creates productivity among employees. These factors are extrinsic to work and it describes the job working environment. These various hygiene factors are hygiene factors. कि various hygiene factors में क्या क्या आएगा बताओ. Salary हो गया, status हो गया, job security हो गया, work condition हो गया और relationship with colleagues हो गया. क्लियर. मोटिवेशनल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है. मोटिवेशनल फैक्टर्स आर इनहेरेंट टू वर्क एंड एल्ड टू पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन. दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड सेटिस्फायर्स एंड जनरली द इंट्रेंसिक फैक्टर्स आर मोटिवेशन सच एज जैसे अचीवमेंट हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, रिकॉग्निशन हो गया. ठीक है, उसके बाद दूसरा थ्योरी आता है McClelland's need theory. McClelland's need theory was given by David McClelland in 1960 and it based upon Maslow hierarchy theory of need. As per the David McClelland, every individual possesses three needs which are learned through experience. He states that every human being is motivated by three factors. Or McClelland theory ke hisab se kya unhone kaha. डेविड McClelland ने क्या कहा कि ही स्टेट्स दैट एवरी ह्यूमन बींग इज मोटिवेटेड बाय थ्री फैक्टर्स. और तीन फैक्टर क्या क्या है. नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट. क्लियर, तीन चीज़ों को याद रखना है. नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर और नीड फॉर अचीवमेंट. उसके बाद थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आता है जिसको हम लोग टैट बोलते हैं. टैट का मतलब क्या है यहाँ पे. थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है. थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, टैट बोलते हैं हम लोग. इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट प्रोनाउंस्ड बाय
प्रोपाउंडेड बाय हेनरी ए मुरे एंड क्रिस्टिना डी मॉर्गन इन 1930। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय ए हेनरी ए मुरे एंड क्रिस्टिना डी मॉर्गन इन 1930। क्लियर। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। दिस टेस्ट इज यूज बाई MCQLMs विच हेल्प्स टू मेजर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। दिस टेस्ट प्रेजेंट्स द इमेज विद द सीरीज ऑफ एम्बिगुअस पिक्चर एंड वन इज आस्क्ड टू डेवलप ए स्पॉन्टेनियस। दिस टेस्ट इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स इन ए ग्रुप टू इवेल्युएट देयर पर्सनैलिटी। क्लियर। उसके बाद आता है ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी। ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के हिसाब से। क्लेटन ऑल्टफर फॉर्मुलेटेड, इसका पूरा नाम क्या था साइंटिस्ट का, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है क्लेटन ऑल्टफर फॉर्मुलेटेड ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी इन 1969 विच इज कॉल्ड एज ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी। दिस थ्योरी हैज जस्ट थ्री लेवल्स ऑफ नीड्स। इस थ्योरी के हिसाब से जस्ट थ्री लेवल्स ऑफ नीड्स जो है, तीन लेवल होता है। पहला होता है द एग्जिस्टेंस नीड, पहला होता है द एग्जिस्टेंस नीड, दूसरा होता है द रिलेटेडनेस नीड, और तीसरा होता है द ग्रुप नीड। तो याद रखना है आपको ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी में कितना नीड है, तीन नीड है, द एग्जिस्टेंस नीड्स है, द रिलेटेडनेस नीड्स है, और द ग्रोथ नीड्स है। क्लियर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी। डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या था यहाँ दोनों थ्योरी के बीच में। मास्लो थ्योरी हैव ए फाइव लेवल पैरामिड ऑफ मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्टिवाइजेशन नीड्स, वेयर एज ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी हैज ओनली थ्री लेवल्स। ऑल्टफर्स में केवल तीन ही लेवल था, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। क्लियर। दूसरा पॉइंट, एज पर मास्लो थ्योरी ओनली वन नीड कैन बी फुलफिल्ड एट वन टाइम इन हायरार्की, वेयर एज ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी बिलीव दैट मोर देन वन कैन बी सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड एट वन टाइम। तीसरा है मास्लो थ्योरी इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज रिजिड, वेयर एज ऑल्टफर्स ऑर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्लियर। उसके बाद ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आया। यहाँ से भी नेट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ से आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, तो याद रखना है कि विक्टर ब्लूम फ्रेम दिस थ्योरी इन 1964। दिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड अपॉन द कॉग्निटिव स्टेट्स ऑफ द एम्प्लॉई एट द वर्क प्लेस। ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉई चूज द वन ऑप्शन ओवर अनदर। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्शियस choice among different alternatives. It is realized that employee performance is based upon some individual factor, jaise ho gaya knowledge, skills, abilities, etc. Bloom theory is based on three factors. Sabse important jo baat aapko yaad rakhna hai ki Bloom theory jo hai based on three factor. Teen factor pe based tha, kaun kaun tha? Pehla factor jo tha expectancy, dusra jo factor tha instrumentality, aur tisra factor jo tha valence tha. क्लियर। तो पहला फैक्टर क्या था एक्सपेक्टेंसी, दूसरा फैक्टर था इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और तीसरा फैक्टर था बैलेंस। तो ये पॉइंट आपको याद भी यहाँ पे रखना है। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बाय पॉटर एंड लॉलर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय पॉटर एंड लॉलर। दिस मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। द ऑथर आर्ग्यूड दैट परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई at the workplace is the collective outcome of his motivation towards his work, the necessary skills and ability, the job description and his role. Uske baad aata hai goal setting theory. Goal setting theory was proposed by Edwin Locke. Scientist ka naam kya tha? Edwin Locke sahab the. Goal setting theory. Goal setting theory was proposed by Edwin Locke. It states that employees can contribute higher and better task performance. Higher and better task performance if specific challenging goals are assigned to them. The willingness to perform towards the fulfillment of the goal is the main source of motivation. The goals should be clear, particular and challenging. There should be periodic feedback programs for the assigned goals. It helps the employee to work with enthusiasm and leads to greater job satisfaction.
उसके बाद जो थ्योरी आया इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आया, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय एस्टेसी एडम्स इन 1963. इन दिस थ्योरी द एम्प्लॉइज मोटिवेशन इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस फेयरनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉई. हायर द एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ फेयरनेस द ग्रेटर इज द मोटिवेशन लेवल, बट द इंक्वायरी क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ इनजस्टिस अमंग एम्प्लॉइज एंड ए रिजल्ट दे बिकम मोटिवेटेड टू डू वर्क. दोज हु परसीव देमसेल्व्स इज एन इनइक्विटेबल सिनेरियो विल ट्राई टू रिड्यूस इनइक्विटी बाय रिसोर्टिंग इनपुट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्लियर? तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. उसके बाद लास्ट थ्योरी है यहाँ पे थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन. तो यहाँ से भी पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में. ठीक है, थ्री एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन. थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉई. इट वॉज प्रपोज बाई एम सी ग्रीगर इन 1960. याद रखना है एम सी ग्रीगर इन 1960. एम सी ग्रीगर सजेस्ट दैट देर आर बेसिकली टू फंडामेंटल अप्रोचेज फॉर मैनेजिंग पीपुल. थ्योरी एक्स गेट्स पुअर रिजल्ट्स वेयर एज थ्योरी वाई प्रोड्यूस बेस्टर रिजल्ट्स एंड इट इज ऑल्सो अलाउ द पीपुल टू ग्रो. एम सी ग्रीगर मेड टू सेट्स ऑफ एजम्पशन फॉर द एम्प्लॉइज थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई. मोस्ट थ्योरी एक्स का मतलब था मोस्ट एम्प्लॉइज डिसलाइक वर्क एंड दे वर्क एज दे आर फोर्स्ड टू डू द सेम. दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड टू डू द वर्क. मैनेजर्स नीड टू कंट्रोल देम एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड विद द फोर्स एंड पनिशमेंट. क्लियर? थर्ड पॉइंट था दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर लेस एम्बिशियस. दे कैन ओनली बी मोटिवेटेड बाई मनी और फियर. फॉर देम पनिशमेंट इज प्रेफर्ड ओवर रिवार्ड. थ्योरी वाई का मतलब था एम्प्लॉइज लाइक टू वर्क एज दे आर गोल ओरिएंटेड एंड वर्क सेंटर्ड. क्लियर? और था यहाँ पे पॉइंट कुछ याद रखना है थ्योरी वाई के बारे में. दे आर कमिटेड टू अदर गोल एंड दे आर कमिटमेंट इंक्रीज विद द परसिव्ड रिवार्ड. दिस एम्प्लॉइज सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. एम्प्लॉइज आर क्रिएटिव इमेजिनेटिव एंड दे आर वाइज इनफ टू सॉल्व देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एम्प्लॉई एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल. मोर ओवर दे हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. उसके बाद लास्ट एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ जेड ऑफ मोटिवेशन. यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन वॉज गिवन बाई विलियम ऑची. दिस मोटिवेशनल थ्योरी फोकसेस ऑन एम्प्लॉई लॉयल्टी टू दस कंपनी बाई प्रोवाइडिंग ए जॉब विद ए मोटिव ऑफ वेलबींग ऑफ एम्प्लॉई ऑफ एंड ऑन द जॉब. ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब इट टेंड्स टू प्रमोट एस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फैक्शन. थ्योरी जेड इज एक्चुअली इज ए फ्यूजन ऑफ अमेरिकन एंड जापानीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इज रिलेशन रिलेटेड मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस. ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. द मेजर करेक्टरिस्टिक्स करेक्टर्स ऑफ थ्योरी जेड. क्या क्या मेजर करेक्टर्स था यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. ट्रस्ट इंटीग्रिटी एंड फिजिबिलिटी. पहला बात याद रखना है ट्रस्ट इंटीग्रिटी एंड फिजिबिलिटी. दूसरा जॉब सिक्योरिटी. तीसरा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. चौथा होलिस्टिक कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज. क्लियर? तो ये पॉइंट थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन के बारे में ध्यान में रखना है. उसके बाद फ्रेंड्स ग्रुप बिहेवियर के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है. ग्रुप बिहेवियर क्या है? ए ग्रुप इज ए कंपोजिशन ऑफ टू और मोर पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड हैव ए कॉमन रिलेशनशिप. फॉर्मल ग्रुप्स आर ग्रुप दैट आर फॉर्मली डिजाइन टू परफॉर्म ए प्री डिटरमाइंड टास्क. हाउएवर इनफॉर्मल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स दैट आर नॉट फॉर्मली स्ट्रक्चर. दे जस्ट बिल्ट ड्यू टू द एफिनिटीज दे डेवलप वाइल इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. क्लियर? स्टेजेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. कुछ स्टेज था. देर आर फाइव स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. दीज आर फॉर्मिंग स्टेज. पहला था याद रखना है आपको कि पांच स्टेज का ग्रुप डेवलपमेंट का वो बात आपको याद रखना है. पहला है फॉर्मिंग स्टेज, दूसरा है स्टॉर्मिंग स्टेज, तीसरा है नॉर्मिंग स्टेज, चौथा है परफॉर्मिंग स्टेज और पाँचवा है एडजॉर्निंग स्टेज. क्लियर? उसके बाद लीडरशिप के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है. सो लीडरशिप इज द इंटरपर्सनल प्रोसेस विच ए मैनेजर हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल एंड वर्क टुवार्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इट इज द ह्यूमन फैक्टर दैट बाइंड्स ए ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट देम टू वर्क टुवार्ड्स अचीविंग द गोल्स. लीडर इज बेसिकली इन्वॉल्व इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप. लीडर्स हेल्प द अदर इंडिविजुअल टू डू द राइट थिंग्स एंड दे सेट द डायरेक्शन फॉर देम.
potential capacity to influence the behavior of the other people towards accomplishment of organizational goals is the main function of a leader. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. In other words, we can say that leadership is a human factor that binds a group together and motivates them to achieve the goals of an organization. Clear? उसके बाद अगर आपसे बात करें, so characteristics of leadership का अगर हम बात करें तो ये भी बात important है, याद रख सकते हैं आप लोग. It is a group process that involves two or more people interact with each other. It denotes some qualities to be present in a person, which includes intelligence, personality. A leader not only supervises but also acts as guide to the subordinate. There is existence, presence of followers in leadership. There is an uneven power sharing between followers and leaders. Leadership is based upon situation and it depends upon tackling the situations. There are common goals for followers to be achieved. तो ये सब करेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखनी है. इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप का अगर हम बात करें, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, सो पहला होता है प्रोवाइड्स गाइडेंस. लीडरशिप हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड गाइडेंस, बिल्ड मोरल, मोरल को बिल्ड्स करता है. इनिशिएट्स एक्शन, एक्शन इनिशिएट्स करता है. बिल्ड्स वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट को बिल्ड करता है. मोटिवेशन देता है. क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस देता है. कोऑर्डिनेशन करता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या क्या है, तो पहला बात याद रखना है प्रोवाइड्स गाइडेंस, दूसरा बिल्ड मोरल्स, तीसरा इनिशिएट्स एक्शन, चौथा बिल्ड वर्क एनवायरनमेंट, पांचवा मोटिवेशन, छठा क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस और सातवां कोऑर्डिनेशन. उसके बाद क्वालिटी ऑफ लीडर, क्या क्या लीडर के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है. पहला क्वालिटी होना चाहिए इंटेलिजेंस का, दूसरा होना चाहिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तीसरा होना चाहिए फिजिकल अपीयरेंस का, चौथा होना चाहिए विजन होना चाहिए, पांचवा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, छठा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, सातवां इम्पैथी होना चाहिए और आठवां प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. क्लियर? तो क्वालिटीज ऑफ लीडर अगर पूछेगा तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो याद रखना है. पहला क्वालिटीज क्या है? इंटेलिजेंस. दूसरा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तीसरा है फिजिकल अपीयरेंस. चौथा है विजन. पांचवा है सेल्फ कॉन्फिडेंस. छठा है कम्युनिकेशन स्किल्स. सातवां है एम्पैथी और आठवां है ऑब्जेक्टिव. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर. उसके बाद लीडरशिप थ्योरी कुछ कुछ दिया हुआ है सिलेबस में आपका, जैसे ग्रेटमैन थ्योरी 1840 है. लीडरशिप थ्योरी से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन. यहाँ से बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है लीडरशिप थ्योरी के बारे में. ग्रेटमैन थ्योरी क्या कहता है यहाँ पे? द ग्रेटमैन थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कैरिज्मेटिक थ्योरी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1840. क्लियर? दिस थ्योरी अज्यूम दैट लीडरशिप ट्रेट्स आर इंट्रिंसिक, विच मीन्स दैट द लीडर आर बॉर्न एंड नॉट डेवलप. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है. ग्रेटमैन थ्योरी वॉज पॉपुलराइज बाय थॉमस कैरेले. एज पर थॉमस, लीडर गोल गिफ्टेड with some unique qualities that are built in them. उसके बाद ट्रेड थ्योरी के बारे में याद रखना है आपको 1930 to 1940. और दिस थ्योरी मेनली इम्फेसाइजेज ऑन एनालाइजिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू गेन मोर अंडरस्टैंडिंग. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, इनेट क्वालिटीज और एक्वायर्ड क्वालिटीज. तो ट्रेड थ्योरी के बारे में ध्यान रखना है. इनेट क्वालिटीज का मतलब होता है दीज आर गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज सच एज हाइट, फिजिक, इंटेलिजेंस, हेल्थ एक्सेट्रा. एक्वायरेबल क्वालिटीज का मतलब होता है दीज आर क्वालिटीज आर नॉट गुड गिफ्टेड एंड कैन बी एनहांस थ्रू ट्रेनिंग मेथड सच एज कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एक्सेट्रा. उसके बाद आता है बिहेवियरल थ्योरी. 1940 से 1950 तक का इसका कार्यकाल था. बिहेवियरल थ्योरी कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन. Here, Machingan studies lie in the category of two leadership style, task-oriented and employee-oriented style. Task-oriented function provide a solution to the task-related issues faced by the workers in their job performance. Or employee-oriented का अगर हम बात करें तो function ensure the individual feel valued and organization. An effective leader perform both the these functions successfully. For performing these functions, there are two types of behavior shown by the manager. दो तरह का बिहेवियर होता है. पहला होता है फंक्शनल बिहेवियर और दूसरा होता है डिसफंक्शनल बिहेवियर. फंक्शनल बिहेवियर बोले तो फंक्शनल बिहेवियर का मतलब होता है इट प्रोवाइड्स, इट इंक्लूड्स सेटिंग क्लियर गोल,
बिल्डिंग हाई मोरल मोटिवेटिंग इम्प्लॉइज, और दूसरा होता है डिसफंक्शनल बिहेवियर, इट इंक्लूड्स डिस्प्लेइंग ऑफ इमोशनल इमैच्योरिटी, पुअर ह्यूमन रिलेशन, इनएफिशिएंसी लीडरशिप, इनइफेक्टिव लीडरशिप एक्सेट्रा। उसके बाद कंटिजेंसी थ्योरी आया, 1960 में आया। सो कंटिजेंसी थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाई फेडलर एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज सिचुएशनल थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन सर्टेन सिचुएशन। एज पर दिस थ्योरी द सक्सेस ऑफ लीडर डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द स्किल्स एबिलिटीज, बट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द सक्सेस ऑफ मैनेजर इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप, सच एज वर्क एनवायरमेंट हो गया, कल्चर हो गया। कंटिजेंट लीडर अप्लाइज हिज ऑन स्टाइल ऑफ लीडरशिप टू द राइट सिचुएशन। उसके बाद आता है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सो पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज प्रोपाउंडेड बाई रॉबर्ट हाउस एंड टेरेंस। रॉबर्ट हाउस एंड टेरेंस, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एज पर दिस थ्योरी द लीडर एस्टेब्लिशेस द एप्रोप्रिएट गोल एंड प्रोवाइड एसेंशियल असिस्टेंट टू एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देर आर फोर टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन पाथ गोल थ्योरी। चार तरीका का लीडरशिप स्टाइल है, क्या क्या है बताओ। डायरेक्टिव लीडरशिप है, सपोर्टिव लीडरशिप है, अचीवमेंट ओरिएंटेड थ्योरी है, और चौथा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पाथ गोल थ्योरी के अंदर, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अंदर चार तरह का लीडरशिप स्टाइल है। सबसे पहला है डायरेक्टिव लीडरशिप, दूसरा है सपोर्टिव लीडरशिप, तीसरा है अचीवमेंट ओरिएंटेड थ्योरी है, और चौथा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। क्लियर। उसके बाद लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप 1969 में आया, और अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ लाइफ साइकिल थ्योरी सिचुएशनल थ्योरी विच वॉज प्रोपाउंडेड बाई पॉल हार्से एंड केन ब्लैंच, याद रखना है इसको, पॉल हार्से एंड केन ब्लैंच इन 1969। एज पर दिस थ्योरी द लीडरशिप स्टाइल ऑफ द लीडर नीड्स टू बी मैच्ड विद द मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्कर। एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी देयर आर फोर लीडर्स स्टाइल अटैच्ड टू इट, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। टेलिंग का मतलब है यहाँ पे लो फॉलोअर्स रेडनेस, सेलिंग का मतलब है लो टू मॉडरेट फॉलोअर्स रेडनेस, पार्टिसिपेटिंग का मतलब है मॉडरेट टू हाई फॉलोअर्स रेडनेस, और चौथा है डेलीगेटिंग हाई फॉलोअर्स रेडनेस। लो फॉलोअर्स रेडनेस का मतलब होता है, लो फॉलोअर्स रेडनेस का मतलब होता है विथ लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस। लो टू मॉडरेट फॉलोअर्स रेडनेस का मतलब होता है विथ द लो एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस, और मॉडरेट टू हाई फॉलोअर्स रेडनेस का मतलब होता है विथ द हाई एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस, और हाई फॉलोअर रेडनेस का मतलब होता है विथ द हाई एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस। क्लियर। तो याद रखना है टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। उसके बाद थ्री डायमेंशनल ग्रिड 1983 में आया। थ्री डायमेंशनल ग्रिड लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाई विलियम रेडिंग, याद रखना है साइंटिस्ट का नाम, विलियम रेडिंग नाम था इसका। और देयर आर थ्री डायमेंशन टू एग्जीबिट द लीडरशिप स्टाइल, इन्होंने तीन डायमेंशन पे काम किया। पहला था इफेक्टिवनेस डायमेंशन, जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं, दूसरा था टास्क ओरिएंटेशन, जिसको हम लोग टीओ बोलते हैं, और तीसरा था रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं। क्लियर। दिस मॉडल ऑफ विलियम रेडिंग सेज दैट द वे ऑफ लीडर्स बिहेव इन ए सर्टेन सिचुएशन मे नॉट बी सुटेबल फॉर सम अदर सिचुएशन। द 3D मॉडल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंटिजेंसी थ्योरी एंड मैनेजरियल ग्रेड। द इंटीग्रेशन ऑफ दीज फोर बेसिक स्टाइल्स जनरेट्स 8 फर्दर स्टाइल विच इज बाइफर्केटेड इन टू पार्ट्स, नेमली फोर लेस इफेक्टिव स्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइजर, मिशनरी, ऑटोक्रेट एंड डिजर्टर, एंड फोर मोर इफेक्टिव स्टाइल जो था उसमें था बेनेवोलेंट, ऑटोक्रेट, एग्जीक्यूटिव, डेवलपर और ब्यूरोक्रेट। क्लियर। उसके बाद लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 1960 में आया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रेंसिस लाइकर्ट हैज डेवलप्ड फोर मॉडल्स ऑफ मैनेजरियल इन 1967 ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग। दीज फोर सिस्टम ऑफ लाइकर्ट वेयर डिजाइन टू हाईलाइटेड द ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स बिल्ट अराउंड द इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल। फोर मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने क्या क्या दिया, एक्सप्लोइटिंग ऑटोक्रेटिक, दूसरा था बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक, तीसरा था कंसल्टेटिव और चौथा था डेमोक्रेटिक। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 1960। उसके बाद मैनेजरियल ग्रिड आया। मैनेजरियल ग्रिड का मतलब होता है द मैनेजरियल ग्रिड मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन माउंटेन इन 1964। याद रखना ही बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस थ्योरी अज्यूम दैट द मैनेजर
either so relation, the managerial grid theory is based on two components, focus on task and focus on relationship. Oriented behavior or task oriented behavior, which means the managerial grid model is based on two dimensions, that is concern for people and concern for production. There are five leadership style in the managerial grid. क्या क्या था? पांच स्टाइल क्या क्या था लीडरशिप का? पहला था इम्प्रूवमेंट था, दूसरा था कंट्री क्लब था, और तीसरा था टास्क, चौथा था मिडिल रोड है, और पांचवा था टीम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम्स में। सो मैनेजरियल ग्रिड का अगर बात करें, सो देर आर फाइव लीडरशिप स्टाइल इन द मैनेजरियल ग्रिड। कौन कौन सा था? पहला था इम्प्रूवमेंट्स था, दूसरा था कंट्री क्लब, तीसरा था टास्क, चौथा था मिडिल रोड, और पांचवा था टीम। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आया। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर डिजाइन स्ट्रेटजी फॉर टेकिंग हिज कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस। दिस टाइप ऑफ लीडर्स रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ हाई फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम, एंड दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ विजन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बोथ द कैरिज्मेटिक पावर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद ट्रांजेक्शनल लीडरशिप का अगर हम बात करें, तो दिस टाइप ऑफ लीडर्स क्लैरिफाइज द सबऑर्डिनेट्स रोल एंड गिव रिवार्ड्स टू देम फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्लियर, दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द स्मूथ वर्किंग ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। दे जनरली ऑफर हाई पे इन रिटर्न फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। उसके बाद सिलेबस में आपका दिया हुआ है ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में। सो यहाँ से भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डायनेमिक्स डील्स विद द एट्रीब्यूट्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द ग्रुप डायनेमिक्स बिकॉज इट हेल्प अस टू नो हाउ द ग्रुप इज फॉर्म्ड इनसाइड वेल एज आउटसाइड। क्लियर, क्यों इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डायनेमिक्स? क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द ग्रुप डायनेमिक्स बिकॉज इट हेल्प अस टू नो हाउ द ग्रुप इज फॉर्म्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। कुछ इंटरपर्सनल बिहेवियर है, देयर आर इंटरपर्सनल बिहेवियर इसमें आता है। इंटरपर्सनल बिहेवियर का मतलब होता है, इट इज़ द इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल एट ए पर्टिकुलर टाइम। इंटरपर्सनल बिहेवियर इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्पीच, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। तीन तरह का इंटरपर्सनल बिहेवियर होता है। पहला होता है एग्रेसिव बिहेवियर, दूसरा होता है एसर्टिव बिहेवियर, और तीसरा होता है नॉन एसर्टिव बिहेवियर। उसके बाद जोहारी विंडो के बारे में आपको पढ़ना है। जोहारी विंडो इज ए काइंड ऑफ 2x2 मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय जोसेफ लॉफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम। दिस मैट्रिक्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एज वेल एज अदर। वी डिस्क्लोज आवर इंफॉर्मेशन टू अदर्स एंड अदर्स रेसिप्रोकेट टू इट। इन दिस वे वी हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कैन बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर कम्युनिकेशन विद वन अनदर। फर्स्ट विंडो जो था उसको क्या बोला गया? ओपन सेल्फ बोला गया। सेकेंड विंडो जो था उसको ब्लाइंड सेल्फ बोला गया, द हिडन सेल्फ बोला गया उसके बाद, और लास्ट का जो क्या था, द अनवेयर सेल्फ था। क्लियर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको बारे में जानते हैं ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? कल्चर इज वन ऑफ द greatest accomplishment and attainment of living beings, and these are strong factors which distinguishes human from the animal. Culture is a composition of tradition, attitudes, values, perception, belief and various other related factors that affect and monitor human behavior. उसके बाद work engagement का अगर हम बात करें, so the emotional commitment with the organization and organizational goal by employee, it involves the involvement, enthusiasm and positive concern with the work and workplace. And engage employee with the who is satisfied with his job and is loyal to the organization. Emotional and stress management का अगर हम बात करें तो ये important है। Emotional and stress management क्या है यहाँ पे? Emotional stress stress and affect workplace behavior and performance. It is the adaptive response that is moderated by individual differences. Stress stimulates a person and affect him physically as well as psychologically. ठीक है, there are two factors of stress. दो phases होता है stress का। पहला होता है constructive phase होता है और दूसरा destructive phase होता है। पहला क्या होता है? constructive phase, और दूसरा destructive phase होता है। उसके बाद
सोर्सेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस क्या क्या सोर्स हो सकता है, पॉजिटिव स्ट्रेस हो सकता है सोर्स और नेगेटिव स्ट्रेस हो सकता है, पॉजिटिव स्ट्रेस हो सकता है और नेगेटिव स्ट्रेस हो सकता है। कॉजेज ऑफ इमोशनल स्टेट एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस कोई जगह पे क्या कारण होता है इमोशनल स्ट्रेस का, तो याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टास्क डिमांड हो सकता है, फिजिकल डिमांड हो सकता है और रोल डिमांड हो सकता है, याद रहेगा, टास्क डिमांड हो सकता है, फिजिकल डिमांड हो सकता है और रोल डिमांड हो सकता है। उसके बाद इंटरपर्सनल डिमांड का अगर हम बात करें, सो इंटरपर्सनल डिमांड क्या होता है, स्ट्रेस मे प्रोड्यूस बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज, देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक विच आर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रैक्टिस टू हैव स्ट्रेस फ्री एंड कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। जैसे सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट है, याद रखना है आपको, पहला टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा एक्सरसाइजिंग है, तीसरा सोशलाइजिंग है, चौथा रोल क्लैरिटी है, पांचवा सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है और छठा काउंसलिंग एंड मेंटरिंग है। क्लियर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, एक्सरसाइजिंग है, सोशलाइजिंग है, रोल क्लैरिटी है, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है और काउंसलिंग एंड मेंटरिंग है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस के बारे में भी आपको जानकारी रखना है, तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाज फर्स्ट गिवन बाय ग्रीनबर्ग इन 1987। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस इज द एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फेयरनेस टुवर्ड्स देम। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई एट वर्क। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बायस्ड टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई फील इनजस्टिस रिलेटिंग टू सैलरी, वर्किंग आवर्स, इंटरपर्सनल रिलेशन, प्रमोशन और एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस विल नेगेटिवली अफेक्ट द एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉई टुवर्ड्स देयर वर्क। हाउएवर इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस इक्विटी अमंग द एम्प्लॉइज, इट विल रिटर्न क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, रिजल्टिंग इन इंक्रीज कमिटमेंट एंड बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो याद रखना है कि क्या क्या टाइप्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल जस्टिस और तीसरा होता है इंटरेक्शनल जस्टिस होता है। क्लियर, उसके बाद विस्टल ब्लोइंग के बारे में दिया हुआ है आपका सिलेबस में पढ़ने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि विस्टल ब्लोइंग क्या होता है। द टर्म विस्टल इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू अलर्ट और ड्रॉ अटेंशन एंड द टर्म ब्लोअर इज रेफरेंसिंग द इंडिविजुअल इशूइंग द अलर्ट बाय ब्लोइंग ए विस्टल। विस्टल ब्लोइंग इज एन एक्ट इन विच पब्लिक अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट एंड अदर अनएथिकल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटी अबाउट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और करप्शन। क्लियर, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। देर आर टू टाइप्स ऑफ विस्टल ब्लोअर्स, दो तरह का विस्टल ब्लोअर्स होता है, इंटरनल विस्टल ब्लोअर्स होता है और एक्सटर्नल विस्टल ब्लोअर्स होता है, तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में आपको दिया हुआ है, फास्ट हम लोग जाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही लेक्चर में सबको समेट देने का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में आपको जानकारी रखना है, सो इट इज बेसिकली कंसर्न विद शार्पनिंग एंड एक्वायरिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग दैट आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल के बारे में पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि मैन पावर होता है, पर्सनल होता है, असाइनमेंट होता है और ट्रेनिंग होता है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर पूछेगा आपसे, तो याद रखना है क्या क्या फंक्शन होता है, क्वालिटी, सर्विस और प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा तो क्या क्या एक्टिविटीज जनरली हम लोग करते हैं, एचआर डेवलपमेंट हो गया, एचआर प्लानिंग एंड एनालिसिस हो गया, स्टाफिंग हो गया, हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, तो ये सब क्या है एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज मेथड ऑफ रिव्यूइंग ऑफ मैन पावर नेसेसिटी टू नेसेसिटी इंश्योर दैट राइट काइंड ऑफ स्किल्स इज मेड अवेलेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, टू इंश्योर द करेंट मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बींग यूज प्रॉपरली, टू मैनेज दोज रिसोर्सेज दैट आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू गिव ए गारंटी अबाउट द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज
whenever the need arises to make sure that there is a lead time available to train the supplementary human resources to predict the potential requirement of manpower at various level of skills. ठीक है, तो ये बात याद रखना है. उसके बाद लेवल के बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में. दीज लेवल क्या क्या लेवल होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? एट इंडस्ट्री लेवल होता है, एट द सेक्टर लेवल होता है, एट द नेशनल लेवल होता है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट होता है. की एलिमेंट्स विच मैनेजमेंट शुड एडहेयर टू, क्या क्या की एलिमेंट है इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर? प्रिडिक्टिंग रिक्रूटमेंट नीड्स हो गया, इवेल्युएटिंग ऑफ सप्लाई हो गया, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हो गया. जॉब एनालिसिस के बारे में भी आपके एग्जाम्स में सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं हम कि जॉब एनालिसिस क्या है. इट इज ए प्रोसेस टू डिटरमाइन इन डिटेल द ड्यूटीज ऑफ पार्टिकुलर जॉब एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ए गिवन जॉब. इसमें क्या क्या आएगा? देर आर टू आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस. क्या क्या दो आउटकम्स है? जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है. जॉब डिस्क्रिप्शन का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स द फैक्ट रिलेटेड टू द जॉब सच एज designation of the job, nature of the operation to be performed, nature of authority and responsibility attached to the specific job. दूसरा आता है job specification. job specification किस में help करता है? it helps to take correct decisions regarding recruitment, appropriate candidate for appropriate positions, educational qualification, abilities, physical mental health come under the content of job specification. job specification help in giving justification to each and every जॉब. उसके बाद अगर जॉब एनालिसिस का इंपॉर्टेंस आपसे पूछेगा तो याद रखना है क्या क्या जॉब एनालिसिस का मेन इंपॉर्टेंस क्या है. मैन पावर प्लानिंग है, क्या हो सकता है? मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो सकता है, जॉब री इंजीनियरिंग होगा. जॉब री इंजीनियरिंग के अंदर दो चीज़ आता है, ह्यूमन इंजीनियरिंग एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्टिविटी. चौथा आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. पाँचवा आएगा परफॉर्मिंग अप्रेजल आएगा. ठीक है, स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस, क्या क्या स्टेप्स हो सकता है जॉब एनालिसिस के अंदर? कलेक्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पोजिशन टू बी एनालाइज, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. क्लियर. उसके बाद रिक्रूटमेंट आता है, सिलेबस में रिक्रूटमेंट भी दिया हुआ है. तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द अपॉइंटिंग सुटेबल कैंडिडेट. देर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, नेमली इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. क्लियर, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा रिक्रूटमेंट को? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है. पहला है इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर में दो चीज आता है, रिक्रूटिंग पॉलिसी और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा आता है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा? डेमोक्रेटिक फैक्टर हो गया, डेमोग्राफिक फैक्टर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हो गया, लीगल कंसिडरेशन हो गया. क्लियर, तो ये सब किसके अंदर आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आएगा. उसके बाद सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का अगर हम बात करें तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह के होता है. पहला होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का अगर हम बात करें, याद रखना है आपको, प्रमोशन, ट्रांसफर, इम्प्लॉई द ऑर्गेनाइजेशन, डिमोशंस और रिटायर्ड इम्प्लॉई. अगर एक्सटर्नल सोर्स का बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? जॉब पोर्टल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, कंपनी वेबसाइट हो गया, प्लेसमेंट एजेंसीज हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया. क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम्स में. इंटरनल सोर्स में क्या क्या आएगा? प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, इम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिमोशंस हो गया, रिटायर्ड इम्प्लॉइज हो गया. और एक्सटर्नल सोर्स का अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा? जॉब पोर्टल्स, एडवर्टाइजमेंट, कंपनी वेबसाइट, प्लेसमेंट एजेंसीज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स. क्लियर, उसके बाद सिलेक्शन आता है. सिलेक्शन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो सिलेक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल विद प्री रिक्विजिट कैपेबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस टू फिल द वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेडिंग आउट एंड अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है, तो सिलेक्शन मेथड्स ऑफ सिलेक्शन इन एचआरएम, क्या क्या मेथड्स हो सकता है सिलेक्शन का? वर्क प्रोफिशिएंसी मेथड होता है, क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में. ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है. मेथड्स ऑफ सिलेक्शन बोले तो पहला होता है वर्क प्रोफिशिएंसी मेथड, दूसरा होता है क्वालिफिकेशन, तीसरा होता है एक्सपीरियंस, चौथा होता है इंटरव्यू, पांचवा होता है रिटन टेस्ट. ठीक है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. अगर आपसे स्टेप्स पूछेगा एग्जाम में सिलेक्शन का, तो आपको ध्यान में रखना है.
है इन्वाइटिंग एप्लीकेशन पहला स्टेप होता है, इन्वाइटिंग एप्लीकेशन दूसरा होता है, रिसीविंग एप्लीकेशन तीसरा होता है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन चौथा होता है, रिटेन टेस्ट पांचवा होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट छठा होता है, पर्सनल इंटरव्यू और सातवां होता है रेफरेंस चेक और आठवां होता है बताओ मेडिकल एग्जामिनेशन और नौवां होता है जॉब ऑफर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नेट में कई बार पूछ लिया है, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला होगा इन्वाइटिंग एप्लीकेशन, दूसरा रिसीविंग एप्लीकेशन, तीसरा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, चौथा रिटेन टेस्ट, पांचवा साइकोलॉजिकल टेस्ट, छठा पर्सनल इंटरव्यू, सातवां रेफरेंस चेक, आठवां मेडिकल एग्जामिनेशन और नौवां जॉब ऑफर। क्लियर। उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में आपको सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्लेसमेंट क्या है? असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑन द जॉब टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, इट मींस सेंडिंग द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन और टू सम डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड असेसिंग द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट इंडिविजुअल। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है कि इट हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, इट इम्प्रूव्स द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, इट हेल्प्स द वर्कर टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। उसके बाद स्टेप्स, उसके बाद इंडक्शन भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो इंडक्शन से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो याद रखना है, इंडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉई टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिविंग हिम द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन ए न्यू एम्प्लॉई एंटर्स द जॉब देन ही इज ए स्ट्रेंजर टू हिज कोवर्कर्स एंड जॉब विच कॉजेज एन एंग्जायटी फॉर द न्यू एंट्रेंट, सो द इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प प्रोड्यूस एन एंग्जायटी अमंग देम। तो आप एक लाइन में याद रखना कि इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है किसके लिए होता है? हेल्प टू रिड्यूस एन एंग्जायटी अमंग देम। इसका इंडक्शन का बेनिफिट्स अगर आपको पूछेगा तो याद रखना है कि बेनिफिट्स क्या क्या होता है। ए वेल डिजाइन इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड नर्वसनेस, इट ऑल्सो बाइंड्स द प्रजेंट एम्प्लॉई एंड न्यू कमर्स, तीसरा इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द कल्चरल शॉक न्यू एम्प्लॉयज अंडरगो ज्वाइनिंग ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर फेजेज के बारे में बात करें तो फेजेज ऑफ इंडक्शन तीन तरह का फेज होता है, तीन फेज आता है इसमें, जनरल इंडक्शन, स्पेसिफिक इंडक्शन और फॉलो अप इंडक्शन आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बात अगर हम करें तो ट्रेनिंग क्या होता है बताओ? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रेफर टू द सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इम्फेसाइजेज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर। इन ऑर्डर टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई ट्रेनिंग इंक्लूड शार्पनिंग ऑफ स्किल। ट्रेनिंग के थ्रू क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट होता है? शार्पनिंग ऑफ स्किल्स, गेनिंग मोर नॉलेज, चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड एक्सेट्रा। ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट वेयर यू आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर विल यू रीच आफ्टर सम टाइम विथ योर एबिलिटीज। ट्रेनिंग का मतलब है इट इज मीन फॉर ऑपरेटिव, द मेन एम ऑफ द ट्रेनिंग इज टू डेवलप एडिशनल स्किल्स। तीसरा, हियर द इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, ट्रेनिंग इज ए रिएक्टिव प्रोसेस। डेवलपमेंट का अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ मीन फॉर एग्जीक्यूटिव, द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट इज टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनालिटी, हियर द इनिशिएटिव इज टेकन बाय द इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट इज प्रोएक्टिव प्रोसेस। क्लियर। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी आपसे पूछ सकता है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना है। ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन सा होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स का अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें? जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कोचिंग और मेंटरिंग होता है, याद रखना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या है? अंडर दीज मेथड inexperienced employee learn through observing other members who perform the same job and tries to imitate their behavior. These methods are less expensive in nature. Some of commonly used on the job training methods are discusses under the क्या क्या आएगा इसमें? Job rotation, job instruction, internship training, coaching और mentoring आएगा। किसमें? On the job training methods के अंदर आएगा। Clear? Off the job training methods का अगर हम बात करें, so off the job training methods are adopted for the development of employee away from the field of the job.
कंडक्टिंग द ट्रेनिंग फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस मिनिमाइजेज द डिस्ट्रैक्शन. द मेन फोकस ऑफ दिस मेथड ऑन द इम्पार्टिंग स्किल्स टू द ट्रेनिंग फॉर डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब. क्लियर. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में अगर पूछेगा आपसे तो याद रखना है क्या क्या आएगा. रोल प्ले आएगा, इन द बास्केट मेथड आएगा, सिमुलेशंस आएगा, ग्रिड ट्रेनिंग आएगा, लेक्चर्स आएगा, इन इंसिडेंट मेथड आएगा और बिजनेस गेम्स आएगा. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या आएगा ऑफ द जॉब का. क्या क्या आएगा ऑफ द ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर. रोल प्ले आएगा, इन द बास्केट मेथड आएगा, सिमुलेशन आएगा, ग्रिड ट्रेनिंग आएगा, लेक्चर्स आएगा, इंसिडेंट मेथड आएगा, बिजनेस गेम्स आएगा. ठीक है. उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैलेंजिंग टारगेट्स, रिकॉग्निशन ऑफ टाइम, टाइम को रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ कॉन्शियस असिस्टेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एफर्ट. ये सब किसके अंदर आएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना है आपको. पहला होता है एम्प्लॉई अप्रेजल, दूसरा होता है असेसमेंट, तीसरा होता है प्लानिंग, चौथा होता है टूल्स, पांचवा होता है रिपोर्टिंग. उसके बाद जॉब इवेल्युएशन के बारे में आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है. जॉब इवेल्युएशन, जॉब इवेल्युएशन क्या है बताओ. इट डिटरमाइंस एंड कंपेयर्स द डिमांड्स विच आर नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब मेक्स ए नॉर्मल वर्कर्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न्ड वर्कर्स सबॉर्डिनेट. इट इज ए सिस्टमेटिक वे टू डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ जॉब एंड इट बिगिंस विद द जॉब एनालिसिस एंड वेयर द वर्थ ऑफ ए जॉब एसर्टेंड. ठीक है. तो आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में, मेथड्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन पूछेगा अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो. कितना मेथड होता है, दो मेथड जनरली होता है, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड. मेथड्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो दो मेथड होता है, क्वालिटेटिव मेथड्स और क्या होगा बताओ, क्वांटिटेटिव मेथड होता है. क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर आता है जॉब रैंकिंग, जॉब ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन, जबकि क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आता है फैक्टर कंपेरिजन और पॉइंट रेटिंग आता है. क्लियर. तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. कंपनसेशन मैनेजमेंट भी दिया हुआ है सिलेबस में. तो कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है बताओ. कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है जनरली. कंपनसेशन मैनेजमेंट एक्ट प्रोवाइड मॉनेटरी वैल्यू टू एन एम्प्लॉई फॉर देयर वर्क बाय मींस ऑफ कंपनी पॉलिसी. क्लियर. तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है. टाइप्स ऑफ कंपनसेशन का अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कंपनसेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन. डायरेक्ट कंपनसेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व सैलरी पेमेंट एंड हेल्थ बेनिफिट्स होता है, जबकि इनडायरेक्ट कंपनसेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व पर्सनल इनकरेजमेंट होता है. अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन तो याद रखना है कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन में क्या क्या आएगा. वेजेज एंड सैलरी आएगा, सबसे पहला आएगा वेजेज एंड सैलरी, दूसरा अलाउंसेस आएगा, तीसरा प्री रिक्विजिट्स आएगा और चौथा इंसेंटिव्स आएगा. याद रखना है. क्लियर. पहला क्या आएगा, वेजेज एंड सैलरी, दूसरा अलाउंसेस, तीसरा प्री रिक्विजिट और चौथा इंसेंटिव्स आएगा. उसके बाद एम्प्लॉई बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स. एम्प्लॉई बेनिफिट्स क्या होता है जनरली सिलेबस में दिया हुआ है. दीज आर कंसिडर एज नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन विच इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. इट मे बी रिक्वायर्ड बाय लॉ और प्रोवाइडिंग वॉलंटरी बाय द एम्प्लॉयर. इसमें क्या क्या आएगा, एम्प्लॉई बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, यस और नो. तो ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा बताओ, एम्प्लॉई बेनिफिट्स के अंदर आएगा. ठीक है. टाइप्स ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स अगर पूछेगा आपसे एग्जाम्स में तो याद रखना है मेडिकल इंश्योरेंस आएगा पहला, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस आएगा, तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा, चौथा फ्रिंज बेनिफिट आएगा और पांचवा हेल्थ केयर आएगा. उसके बाद टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम अगर पूछेगा एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम क्या क्या टाइप्स होता है इंसेंटिव स्कीम का, तो पहला टाइप होता है इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम, दूसरा होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, तीसरा होता है इंटरप्राइज इंसेंटिव स्कीम. ठीक है. अगर टाइप्स ऑफ इंसेंटिव के बारे में पूछेगा तो याद रखना है कि टाइप्स ऑफ इंसेंटिव दो तरह का होता है, पहला होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैश फॉर एक्स्ट्रा एफिशिएंसी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है प्राइजेज और रिवार्ड्स गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है.
हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट हमने पूरे सिलेबस को एक ही लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप यू पीपल मस्ट गेट बेनिफिट बेनिफिट इन रिसेंट अपकमिंग नेट एग्जाम्स, श्योर बेनिफिट यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, आप लोग अच्छे से रीड करिए, थोड़ा लेंदी सिलेबस है, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए एक दिन में नहीं होगा, ये बार बार आपको लेक्चर सुनना होगा, ठीक है। जितना बार आप लेक्चर को सुनेंगे, लिखने का कोशिश नहीं करना है, केवल सुनना है आपको, ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे, आई एश्योर अबाउट दैट यू विल गेट मस्ट बेनिफिट रिगार्डिंग अपकमिंग नेट एग्जाम्स। जितना बार आप सुनेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्लियर। सो फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो से थोड़ा बहुत हमको आइडिया क्रिएट हुआ और भी कुछ सीखना चाहिए हमको, है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। माई कॉन्टेक्ट नंबर, माई मोबाइल नंबर है 8399-45005। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8399-45005। या आप सर्च मारेंगे डिज़ायर कैरियर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, सो यू विल गेट फुल डिटेल अबाउट डिज़ायर कैरियर इंस्टीट्यूट, क्लियर। सो ये वीडियो का बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग मैनेजमेंट सब्जेक्ट को लेकर के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्केयर्ड, सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट से तैयारी करने वाले 17 कोर्स से, या दो मैनेजमेंट का यूनिट सब्जेक्ट है, एक 55 कोड है ह्यूमन वेलफेयर मैनेजमेंट और एक 17 कोड है बेसिक मैनेजमेंट, क्लियर, जनरल मैनेजमेंट। सो दोनों ही स्टूडेंट पूरा कंफ्यूज होते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लियर। सो फ्रेंड्स बुक्स मटेरियल ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स दे हैव, सबके पास बुक्स कंटेंट मटेरियल कुछ ना कुछ है, सबका एक अपना रिसोर्स है पढ़ने का, क्लियर है। बट अच्छा गुरु वही है जो आपको बताया कि क्या चीज़ आएगा एग्जाम में, क्या चीज़ नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप पूरा थॉरली बुक्स को पढ़ेंगे तो दो महीना तो क्या, दो साल में भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए दो साल का तो मैनेजमेंट का कोर्स ही होता है जनरली, दो साल में बहुत सारे चीज़ों को आपको पढ़ना होता है सेमेस्टर वाइज, ये सब। सो हाउ इट इज पॉसिबल टू कंपाइल इन टू मंथ्स, सो अच्छा गुरु का पहचान है कि आपको प्रॉपर वे से गाइड करे, सही मार्गदर्शन दे, सही चीज़ों को गाइड करे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्लियर। आई होप इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।